असली प्रियस वेलनेस के सभी फाइटर्स को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद और पूरा यकीन है आप लोग सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे, खूब बिंदास जिंदगी जी रहे होंगे, खूब अच्छे चेक कमा रहे होंगे, खूब अचीवमेंट प्राप्त कर रहे होंगे। दोस्तों, बहुत दिन हो गए थे आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई थी, तो सोचा मुलाकात का कुछ मुद्दा भी होना चाहिए, तो मुलाकात के लिए कोई एक अच्छा सब्जेक्ट भी अगर साथ में हो तो मुलाकात करने में मजा आ जाएगा। तो वही कुछ एक थोड़ा सब्जेक्ट, थोड़ी सफलता के बारे में कुछ बातें करने के लिए आज मैं आपके साथ आया हूँ। सफलता के बाद मेरे साथ, तो इसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत नमस्कार आपको। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं कि जो आप लोगों ने कमाल करके दिखाया है इस लॉकडाउन के पीरियड में, कोरोना वायरस जैसी महामारी के बीच जो बिजनेस करके दिखाया, जो अचीवमेंट आप लोगों ने प्राप्त किए हैं वो तारीफ के काबिल है। और रियली आई कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रॉम एनी बडी या एनी कंपनी एंड एनी कंपनी लीडर्स कि दुनिया में किसी कंपनी के लीडर्स या किसी कंपनी ने वो अचीवमेंट प्राप्त की होगी जो इस काल में, इस कोरोना काल में आप लोगों ने करके दिखाया है। तो बहुत बहुत मेरी तरफ से बधाई, सल्यूट है आपको। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल जो नए डायमंड बने, ब्लू डायमंड बने, स्टार सफायर बने, सफायर बने, रॉयल डायमंड बने, ब्लैक डायमंड बने, उन सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। तो रियली आप लोगों ने कमाल किया है, और ऐसा कमाल, ऐसा धमाल जो सोच से परे था। इस टाइम पर जहां पर ना कोई सेमिनार हो रहे थे, ना ट्रेनिंग हो रही थी, ना कोई गैदरिंग हो रही थी, ना शोज हो रहे थे, उसमें आप लोगों को मैं आज बताते हुए बहुत हर्ष महसूस कर रहा हूँ, बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि हम सब का बिजनेस डबल हो चुका है। हम सब डबल हो चुके हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कारण आप हैं, सभी आप लोग हैं। आपकी नेक नियत है, आपकी ईमानदारी है, आपकी सच्चाई है, आपकी इंसानियत है, और हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट है। दोस्तों, बात करूं प्रोडक्ट के रिजल्ट की, बहुत मजा आ रहा है सुन के जब लोग बता रहे हैं, और खासकर वायरल डॉग के जो रिजल्ट आ रहे हैं। अब कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते, पैनल में गैट लगा हुआ है, कोरोना बोलने पर कोरोना में काम करने के लिए नहीं बोल सकते, लेकिन जिन लोगों ने भी ये प्रोडक्ट यूज किया है उन लोगों की रिपोर्ट जो आनी चाहिए थी वो आ चुकी है। लोग बहुत खुश हैं, मेरे पास लगातार फोन आ रहे हैं कि सर कमाल किया आपने, आप इसका और प्रचार प्रसार करें। लेकिन नहीं, हम इम्यून बूस्टर कह के ही इसको लोगों को प्रमोट करेंगे, और इम्यून बूस्टर से ही इस बीमारी से, महामारी से बचाया जा सकता है अपने आप को भी, अपने परिवार को भी। तो आप सब लोग वायरल डॉग का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, और अपने परिवार को और अपने जान पहचान वालों को, सबको कराएं। बाकी सब भगवान की मर्जी है, लेकिन कहीं ना कहीं 99% तक वायरल डॉग आपको हर तरह के वायरस से जरूर बचाएगा, आपको बीमार होने से जरूर बचाएगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हु विल गेट सक्सेस। क्या है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत लोग आते हैं, हजारों लोग, लाखों लोग एक उम्मीद के साथ आते हैं, एक सपने के साथ आते हैं कि मैं कुछ करूंगा, मैं भी कुछ प्राप्त करूंगा, मैं भी यहां सफलता प्राप्त करूंगा, लेकिन हर एक व्यक्ति यहां सफलता प्राप्त कर नहीं पाता। इस बात का मुझे कभी कभी बहुत बहुत दुख होता है, मेरा दिल दुखी होता है जब मैं लोगों को यहाँ फेलियर होते देखता हूँ, जब लोगों को यहाँ कामयाब होते नहीं देखता, और जिनको मैं कामयाब होते देखता हूँ उन्हें देखकर बहुत खुश होता हूँ। क्योंकि दोस्तों, यहाँ कामयाब कौन होता है? यहाँ कामयाब होता है एक किसान का बेटा, एक मिडिल क्लास का, एक अपर मिडिल क्लास का, एक लोअर मिडिल क्लास, एक लोअर क्लास का व्यक्ति कामयाब होता है। ऐसे लोगों को कामयाब देखकर कौन खुश नहीं होगा, किसको अच्छा नहीं लगेगा? लेकिन यहाँ बहुत से लोग हैं जो आते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते, उन्हें बारे में सुनकर, उनके बारे में जानकर बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा दुख होता है कि भाई क्यों नहीं कामयाब हो पाते। ऐसा कौन से यहाँ पर टेक्निकल चीजें या साइंटिफिक मेथड है इस बिजनेस के जो एक व्यक्ति यहाँ पर काम नहीं कर पाता और कामयाब नहीं हो पाता? दोस्तों, जिनके चेक बन रहे हैं वो भी खुश है, और जिसके चेक नहीं बन रहे हैं वो मुझे पता है कहीं ना कहीं उदास रहते हैं, और जिनके चेक बढ़ चुके हैं, डबल हो चुके हैं, वो बहुत खुश है। लेकिन जिनके चेक वहीं पर हैं जहां पहले थे, वो सोच रहे हैं कि मेरा चेक कैसे बढ़े, और जिनके चेक नहीं बन रहे वो सोच रहे हैं मेरे चेक कैसे बने। तो आज का जो ये हमारा सेशन होगा, हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए सेशन में, वो वक्त आपको मुझे देना होगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूं आज के इस सेशन होने के बाद कोई भी व्यक्ति जो डायरेक्ट सेलिंग करेगा, अगर इस सेशन को हमेशा सुनेगा, समझेगा, तो जीवन में ऐसा कभी हो नहीं सकता कि वो व्यक्ति कामयाब ना हो। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत
बहुत बहुत ज्यादा कुछ नहीं है कि भाई आपको यहाँ साइंटिफिक कुछ पढ़ना पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। एक बेसिक से प्रिंसिपल है, एक बेसिक सा मेथड है जो आपको फॉलो करना पड़ता है और जिसको फॉलो करके कोई भी व्यक्ति यहाँ सक्सेस हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग आए हैं, आपका सक्सेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहली बात मैं जो शुरू करना चाहता हूँ वो ये है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ज्वाइन कौन करता है, कौन लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करता है एक मिडिल क्लास, एक अपर मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास, एक लोअर क्लास। क्यों ज्वाइन करता है? शौक में ज्वाइन करता है, मजे लेने के लिए ज्वाइन करता है, मजे मजे में ज्वाइन करता है, नहीं मजबूरी में ज्वाइन करता है, नीड के लिए ज्वाइन करता है, अपनी जरूरतों के लिए ज्वाइन करता है, अपने ख्वाबों के लिए ज्वाइन करता है। क्योंकि इस ये जो क्लास है इसको पता है किसके लिए, दुनिया में और कोई ऑप्शन नहीं है जो इसको तरक्की दे सकता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात, डायरेक्ट सेलिंग करना हम सब लोगों का शौक नहीं है, हम सब लोगों की मजबूरी है। एक मिडिल क्लास की मजबूरी है, एक लोअर मिडिल क्लास की मजबूरी है, क्योंकि उसके लिए समाज ने, दुनिया ने ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं बनाया कि जिस प्लेटफॉर्म पे चल के वो व्यक्ति कामयाब हो सके। एक लोअर क्लास का, एक लोअर मिडिल क्लास का व्यक्ति कामयाब हो सके, दुनिया में एक ही ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको कामयाब कर सकती है, और दोस्तों वह डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पर जो आपने ज्वाइन किया है, जो लोग यहाँ पर 99% लोग ज्वाइन करते हैं वो अपर मिडिल क्लास के होते हैं, लोअर मिडिल क्लास के होते हैं, और इन लोगों की को कामयाबी इनका शौक नहीं है, जरूरत है, नीड है। इनके घर में ऐसे बहुत से दुख हैं, बहुत से तकलीफें हैं, बहुत सी जरूरतें हैं, बहुत सी परेशानियां हैं, जिन्हें दूर करने के लिए ये इस इंडस्ट्री को चुनते हैं। और दोस्तों मैं ये कहता हूं, अगर अपर क्लास वाले होते, कामयाब ना होते, फर्क नहीं पड़ता, लाखों करोड़ों के धंधे चल रहे हैं, लेकिन आप अगर कामयाब नहीं होंगे तो जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि जिन दुख तकलीफों को दूर करने आप यहाँ पर आए हो, वो दुख तकलीफें फिर वैसी ही बनी रहेंगी, वो वहीं पर खड़ी रहेंगी, और वो दुख तकलीफें अगर दूर नहीं हुई तो पूरी जिंदगी दुख में बीतेगी। तो दोस्तों मैं ये कहूंगा सबसे पहली बात कि डायरेक्ट सेलिंग करना हमारी मजबूरी है, हमारी नीड है, हमारी जरूरत है, और दोस्तों ये हमारी आवश्यकता है। और याद रखना दोस्तों, आवश्यकता आविष्कार की जननी। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अगर इसे आपने अपनी आवश्यकता बनाया, आपकी मजबूरी बनाया, आपकी नीड बनाया, तो आविष्कार होगा आपकी जिंदगी में, कामयाबी 110% आएगी ही आएगी। और दोस्तों दूसरी बात, डायरेक्ट सेलिंग कौन करता है? एक तो ये हो गया मिडिल क्लास लोग करते हैं 90%, दूसरा वो लोग करते हैं जो नॉन टैलेंटेड है, जो बहुत पढ़े लिखे नहीं है, बहुत पैसे वाले नहीं है, जिनके पास कोई यूनिक टैलेंट नहीं है, जिनको दुनिया में कोई नहीं पूछता, उन्हें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पूछता है। अब आपको पता है कि जितने भी आप लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, 99% लोग वो देखेंगे जिनके पास कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं है, बहुत बड़ा पैसा नहीं है, बहुत बड़ा टैलेंट नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। और जो जाने या अनजाने में दोस्तों आपको मिल चुका, जाने या अनजाने में आप लोग यहाँ एडमिशन ले चुके हैं, बात सिर्फ ये है कि एडमिशन लेके इस एडमिशन को यहाँ कामयाबी में बदलना है। जाने अनजाने में आप यहाँ आ चुके, अब मुद्दा यह है कि आने के बाद यहाँ पर आपको झंडे गाड़ने, परचम लहराने और अपने सारे सपनों को पूरा करना है। अपनी जो उम्मीदें आपको यहाँ से है, वो सारी उम्मीदें आपकी पूरी होनी चाहिए, और वो कब पूरी होंगी? जब आप ये बात समझे कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस उन लोगों के लिए है जो लोग नॉन टैलेंटेड है, जो उनके पास डिग्री नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं। और मुझे लगता है हम सब लोग ऐसे ही हैं दोस्तों। तो 100% ये बिजनेस हमारे लिए बनाए, और 100% इस बिजनेस में काम करके हम सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन कब होंगे हम सक्सेस? जब पहले हम ये समझेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सिर्फ हमारे लिए बना है, ये टाटा अंबानी बिरला अमीरों के लिए नहीं बना, ये सिर्फ हमारा बिजनेस है और हम इसको आसानी से कर सकते हैं। इसका मॉडल बहुत मुश्किल नहीं है, इसका मॉडल बहुत इजी है, बहुत इजी तरीका है। लोगों से बात करना है, मुलाकात करना, अपनी बात लोगों को मनवाना है, अपनी बात लोगों को समझावानी है, इतना सा करके हम यहाँ पर कामयाबी पा सकते हैं। लेकिन लोग यहाँ पर भी फेल हो जाते हैं दोस्तों। हजार हजार 100 लोग ज्वाइन करते हैं, 90% लोग फेल होते हैं, 10% पास होते हैं। मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि वो 90% जो फेल होते हैं ना मेरे भाई, उनकी जरूरत है, उनकी नीड है, वो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, उनको कामयाबी की जरूरत थी लेकिन कामयाब नहीं हो पाते, लेकिन इसमें उनकी गलती नहीं। सेंस ऑफ बिजनेस और सेंस ऑफ लाइफ, जीवन की जानकारी और धंधे की जानकारी उन मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास लोगों को नहीं होती जो मैं आज आपको देने आया हूं। दोस्तों एक इंसान की जिंदगी में जो शुरुआत होती है लाइफ में कुछ करने की, या मैं ये कह सकता हूं कि दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हैं उनके पीछे एक ही बेसिक प्रिंसिपल सबके लिए एक ही है, असूल सबके लिए एक ही है। चाहे आपको डॉक्टर बनना हो, चाहे इंजीनियर बनना हो, चाहे नेटवर्कर बनना हो, चाहे साइंटिस्ट बनना हो, चाहे क्रिकेटर बनना हो, चाहे डांसर बनना हो, कुछ भी आपको बनना होगा,
तो जीवन में कुछ ही वो सूत्र हैं, सफलता के मंत्र हैं जो हर व्यक्ति के हर प्रोफेशन में उसकी कामयाबी का कारक होते हैं। तो उनमें सबसे पहला जो सूत्र है मेरे दोस्तों, मुझे पता है आपके साथ भी वही सारे प्रिंसिपल आपको कामयाब करेंगे। तो अगले 30-40 मिनट जो हम बात करेंगे उन सूत्र पे बात करेंगे, सफलता के मंत्र पे बात करेंगे। आपको ध्यान से समझना है, सोचना है, एनालाइज करना है, उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ सर अगर ये सारी चीजें हम फॉलो कर लें तो दुनिया की कोई ताकत हमें सक्सेस होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों एक इंसान की सक्सेस जर्नी स्टार्ट कब होती है, कब वो कुछ सोचना शुरू करता है कि मैं कुछ बड़ा करूं, मैं कुछ बड़ा करूं। हम देखते हैं सफलता का पहला मंत्र, हु विल गेट सक्सेस, लिव फॉर इमोशंस। जो व्यक्ति दोस्तों अपने घर परिवार में अपनी तकलीफों को देखकर, अपने दुखों को देखकर, जिनके घर में पैसे नहीं है, जिनके घर में पैसे ना होने की वजह से उनके घर में तकलीफें हैं, उनके बाप बीमार है लेकिन वो इलाज नहीं करा सकते, उनका बच्चा बहुत टैलेंटेड है लेकिन अच्छा पढ़ा नहीं सकते, उनकी माँ एक अच्छा घर चाहती है बना नहीं सकते, उनकी बहन की शादी है वो आज अच्छे घर में कर नहीं सकते, जो लोग अपनी जिंदगी में इन दुखों को महसूस करते हैं, इनका एहसास करते हैं कि यार ये सारे दुख खत्म हो सकते हैं सिर्फ मेरे किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम करने से, मेरे अच्छे मेहनत करने से। और जो लोग अपने इमोशंस के लिए जीते हैं, अपने तकलीफों को दूर करने के लिए सोचते हैं दोस्तों, वही कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हैं और वही व्यक्ति उस रास्ते पे चलते हैं। तो जिंदगी का पहला मंत्र है अंदर से ऊर्जावान होना, अपने आप में मोटिवेशन आना, अपने आप में जुनून आना, जोश आना, जज्बा आना कि आपको अपने तकलीफों से घर की आपको तकलीफ होनी चाहिए। उन तकलीफों को आप दरकिनार ना करें, उन तकलीफों को आप नॉर्मली ना लें, उन तकलीफों के साथ आप रहने की कोशिश ना करें, उन तकलीफों को दूर करने की कोशिश करें। क्योंकि जब तक ये आपका माइंड में उन तकलीफों को दूर करने की सोच नहीं आएगी तब तक आप ना कोई रास्ता चुनेंगे, ना ही किसी रास्ते पे चलेंगे और ना ही कोई रास्ता ढूंढेंगे। और दोस्तों चाहे हम कितना ही आपको कह दें कि आप ये कर लो, आप ये कर लो, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों जीवन में गाड़ी बंगला ये सब चीजें बाद में, हम किसी भी काम में कामयाबी इसलिए चाहते हैं कि हमारे परिवार के दुख तकलीफें हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। तो लिव फॉर इमोशंस दोस्तों, कंपनी के लिए मत जियो, अपलाइन के लिए मत जियो, दुनिया के लिए मत जियो, अपने परिवार के लिए जियो। दुनिया में परिवार से ज्यादा प्यार इंसान को किसी से नहीं होता है। और जो इंसान अपने परिवार की लड़ाई लड़ता है वो कुछ भी कर सकता है। एक फौजी आदमी जब फौज में नौकरी करके बॉर्डर पे लड़ाई लड़ता है तो दोस्तों पीछे अपने परिवार के लिए लड़ता है, अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए लड़ता है, अपने माँ बाप की दवाई के लिए लड़ता है, अपने घर के लिए लड़ता है। और लड़ते लड़ते वो शहीद हो जाता है क्योंकि उसके पीछे उसके परिवार का प्यार होता है, उसके परिवार का दुख होता है, उसके परिवार के इमोशंस होते हैं। तो दोस्तों जब परिवार के दुख और परिवार की तकलीफें आपके मन में दिमाग में 24 घंटे रहेगी तो दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती, कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती, कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आप दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे, आप सब कुछ सीखेंगे कैसे कामयाबी पानी है। क्योंकि अब कारण कामयाबी का कोई कंपनी, कोई प्रोडक्ट, कोई अपलाइन नहीं, पैसा नहीं, कारण अपना परिवार है, कारण अपने परिवार के दुख है। तो दोस्तों जो लोग इमोशंस के लिए लड़ते हैं वही लोग इस दुनिया में सक्सेस हो सकते हैं, वही लोग अपने जीवन की दुख तकलीफें दूर कर सकते हैं, अपने आप को जला सकते हैं, तपा सकते हैं अपने परिवार को सुखी करने के लिए। तो दोस्तों ये है पहला मंत्र। बहुत से लोग इस दुनिया में इतने निश्चिल हैं, इतने स्वार्थी हैं कि उनके परिवार में कितनी तकलीफें आ जाए, कितने दुख आ जाए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। अगर आज मैं यहां हूं तो मुझे अपने परिवार की तकलीफों ने यहां पहुंचा है। आज महिपाल जी अगर यहाँ पहुंचे तो अपने परिवार की तकलीफों के कारण पहुंचे। शिव कुमार या कोई भी अचीवर इस दुनिया में अपने परिवार की तकलीफों को दूर करने के लिए ही प्रयत्न और प्रयास करता है, नहीं तो दुनिया में काम करना कोई नहीं चाहता। हर आदमी टीवी देखना चाहता है, हर आदमी सोना चाहता है, लेकिन जब परिवार की तकलीफें उसे दिखती है तो उसके अंदर अपने आप काम करने की ऊर्जा आती है, जोश आता है, जज्बा आता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात है लिव फॉर इमोशंस। अब आपको ये रियलाइज करना है कि मैं अपनी जिंदगी में अपने लिए जीता हूं या अपनों के लिए जीता हूं। अगर अपने लिए जियोगे तो गारंटी कामयाबी की नहीं है, लेकिन अपनों के लिए जियोगे, उस फौजी की तरह लड़ोगे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, कामयाबी तुम्हारे कदम जरूर चूमेगी। बस दोस्तों अपनों के लिए जीना सीखो।
और जब अपनों के लिए जीना सीखोगे तो डायरेक्ट सेलिंग में इतिहास रच दोगे, इस प्लेटफॉर्म पे 100% सक्सेस पाओगे। तो अपनों के लिए जीने के साथ साथ दूसरा जो मंत्र है जो मैं आपकी आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो है ऑलवेज थिंक बिग, हमेशा बड़ा सोचो। ये बहुत, क्योंकि मैं आपको कामयाब कैसे होना है, नेटवर्किंग कैसे होनी है, डायरेक्ट सेलिंग कैसे होनी है, मुश्किल से अगले लास्ट के 20-25 मिनट में सिखा दूंगा, और बहुत मुश्किल नहीं है नेटवर्किंग करना, लेकिन मुद्दा है बड़ा सोचना। अब हम बड़ा क्यों नहीं सोच पाते, हम मानसिक रूप से मजबूत नहीं रहते हैं, शारीरिक रूप से हम बहुत मजबूत है लेकिन मानसिक रूप से हम कमजोर है। तो क्या दोस्तों हम कमजोर है, क्या हमारी मानसिकता कमजोर है, क्या हम कमजोर मानसिकता के साथ पैदा हुए थे इस धरती पर, क्या हम कुछ नहीं कर सकते, क्या हम कुछ बड़ा अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकते, बड़े सपने हम पूरे नहीं कर सकते? मेरे भाई ऐसा नहीं, सच्चाई यह है कि जिस सोच में हमने जन्म लिया, जिस परिवार में हमने जन्म लिया, जिस दुनिया में हमने जन्म लिया, जिन लोगों के बीच में हमने अपना बचपन गुजारा, अपनी जवानी गुजारी है, वो सब कमजोर वर्ग है, वो एक मिडिल क्लास वर्ग है, एक लोअर मिडिल क्लास वर्ग है, वहां पर बड़ी सोच के लोग नहीं है, वहां ज्यादातर लोग छोटा सोचते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, पढ़ाई करते बोलते नौकरी कर ले, कोई बोलता पुलिस में जा, कोई बोलता फौज में जा, कोई बोलता मास्टर बन जा, कोई बोलता कंडक्टर बन जा, कोई बोलता ये बन जा। क्या आज तक किसी ने आपको बोला है आप अरबपति बनो, आप करोड़पति बनो, आप 1,000 करोड़ रुपए कमाओ? क्या किसी ने आज तक आपको बोला है? जिस माहौल में आपने जन्म लिया है, जिन लोगों के बीच में आपने अपनी जवानी निकाली है, जिन लोगों के बीच में आपने अपना बचपन निकाला है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कमजोर हम नहीं है, कमजोर वो लोग हैं जिनके साथ हमने अपनी पूरी जिंदगी जी है। जब हम पैदा हुए थे तो हमें कमजोर स्कूल दिया, कमजोर मोहल्ला दिया, कमजोर परिवार दिया, कमजोर रिश्तेदार थे, सभी कमजोर ही कमजोर है, कोई बड़ी बातें नहीं करता, सब छोटी छोटी बातें करते हैं। तो दोस्तों आपको पता, करत करत अभ्यास जड़मती हो सुयान, जब इंसान बार 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 छोटी छोटी बातें सुनेगा तो वो भी छोटा सोचेगा, बड़ा कभी सोच नहीं सकता। और दोस्तों बड़ा करने से पहले बड़ा सोचना पड़ता है। आप डायरेक्ट सेलिंग में आ गए, आप डायरेक्ट सेलिंग में आए, कोई प्लान देने आया, आपको लगा चलिए यार करके देख लेते हैं, चलिए यार एक बार हम भी ट्राई कर लेते हैं। अरे नहीं, आप ट्राई कर रहे हो, ट्राई एंड टेस्ट कर रहे हो, करके देख रहे हो, कुछ नहीं होने वाला भाई, महीना दो महीना 6 महीने में आप लुढ़क लोगे। करके देखना नहीं, करके रहना है, मैं करके रहूंगा। इसके लिए पहले अपने माइंड को सेट करना है। जब माइंड सेट होगा मेरे भाई तो बॉडी 100% आप लोगों की सेट होगी। इस दुनिया में सारा खेल माइंड का है। हम लोग काम तो कर रहे हैं 100 करोड़ रुपए कमाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में, एसलीपीएस वेलनेस में 70 करोड़ का चेक लेने के लिए, लेकिन सोच रहे वही छोटा छोटा है, एक चेक के लिए, दो चेक के लिए सोच रहे हैं, वही छोटी सोच आज भी हमारे साथ है। अरे चल देख लेते 50,000 आ जाए, अरे चल देख लेते 1,00,000 आ जाए, अरे भाई किस लिए देखना है फिर, 50,000 भी किस लिए देखने हैं और 10,000 भी किस लिए देखने हैं? अरे करना है तो ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए करना है, करना है तो 70 करोड़ कमाने के लिए करना है। बड़ा सोचोगे बड़ा पाओगे, क्योंकि इस दुनिया में दोस्तों सब कुछ जो कंट्रोल है वो हमारे माइंड के पास है। परमात्मा ने जो ये माइंड हमारे को दिया है बहुत पावरफुल है, इसको कहते हैं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। मैं 2-4 एग्जाम्पल से आपको बताता हूं। आप नेचर से नहीं लड़ सकते, नेचर की डिमांड है बड़ा सोचना, आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। बड़ी चीजों से डरना नहीं है, बड़ी चीजों के पास जाना है, बड़ी चीजों को छूना है, बड़ी चीजों का एहसास करना है। दोस्तों हम इतने डरे हुए रहते हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग में 70 करोड़ कमाने जा रहे हैं तो भी डरे हुए हैं, तो भी घबराए हुए हैं, ऐसा लगता है पता नहीं होगा या नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अरे क्यों नहीं कर पाएगा, जब दुनिया ने किया तो तू क्यों नहीं कर पाएगा, जब लाखों लोगों ने किया तो तू क्यों नहीं कर पाएगा, जब पूरी दुनिया में लाखों लोग डायरेक्ट सेलिंग में अरबों रुपए कमा रहे हैं तो तू क्यों नहीं कमा पाएगा? तू 100% कमाएगा, लेकिन इसके लिए तुझे पहले अपनी सोच बदलनी होगी, बड़ा सोचना होगा, बड़ी चीजों से डरना नहीं होगा। अरे 7-स्टार होटल से डरो मत, मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू की सवारी करने में, टेस्ट ड्राइव लेने में डरो मत, उन शोरूमों में होटल में घुसने से डरो मत, बड़ी सुनार की दुकान में घुसने से डरो मत। जो भी बड़ी चीज तुम्हें डराती है उसके सामने खड़े हो जाओ और जाके बोलो एक दिन तुझे प्राप्त करके रहूंगा, एक दिन तुझे पाके रहूंगा। डरना छोड़ दो, बड़ा सोचो। देखो दोस्तों बड़ी सोच का बड़ा जादू, और भगवान कहता है कि इंसान को मैंने इतना मजबूत बनाया है, इंसान की सोच पे मेरा भी कोई कंट्रोल नहीं है। भगवान कहता है कि मैं इंसान के जन्म पे मेरा कंट्रोल है,
इंसान की मृत्यु पे मेरा कंट्रोल है पर उसकी सोच पे मेरा कंट्रोल नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर भगवान हमारी सोच पे कंट्रोल करता तो ना कोई बलात्कार करता, ना चोरी करता, ना डकैती करता, ना मर्डर करता। भगवान ने फ्री कर रखा है, सर्वे सर्वा हमें बना रखा है, सर्वोपरि हमें बना रखा है। मनुष्य जन्म हमें भगवान ने दिया है और इस जन्म में भगवान ने सिर्फ हमें अपनी मर्जी से जिंदगी जीने का मौका दिया है क्योंकि हमारी सोच इसमें हमारे साथ है, हमारी सोच पे किसी का कंट्रोल नहीं है। तो दोस्तों होता क्या है हमारे जीवन में, ये जो माइंड है जो सोचता है जीवन में वही होता है। इसे कहते हैं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। जैसे आप रात को सोए, सुबह आपकी ट्रेन है 5 बजे, आप 4 बजे का अलार्म लगाए, ना भी लगाएं अलार्म, सिर्फ सीरियसली सोच के सो जाएं तो आपकी आंखें खुलती हैं, आपकी आंखें खुलती हैं। आपने कोई अलार्म नहीं लगाया, सिर्फ सोचा है कि मैं सुबह ट्रेन पकड़ूंगा तो आपकी आंखें क्यों खुली मालूम है आपको? क्योंकि आपकी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। अब आप ये सोचिए, जब ये माइंड इतना पावरफुल है कि एक सोए हुए आदमी को उठा सकता है, सोया हुआ इंसान मरण समान है। जब वो सोच के सोता है सुबह ट्रेन पकड़नी है और 4 बजे माइंड इस सोए हुए बॉडी को जगा उठा सकता है, जगा सकता है। अगर ये जगा हुआ इंसान सोच ले कि मुझे 100 करोड़ कमाने हैं, मुझे 70 करोड़ कमाने हैं, तो क्या इसको 70 करोड़ नहीं कमवा सकता? कमवा सकता है, लेकिन सोचना पड़ता है 100% यहां से सोचना पड़ता है और यहां से दिल से दिमाग से सोचना पड़ता है कि अब मैं इस बिजनेस में आया तो अब करके ही रहूंगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। दोस्तों नेचर कोल है, नेचर से आप नहीं लड़ सकते। भूख लगेगी तो खाना पड़ेगा, भूखे रह के जीवन नहीं जी सकते। नेचर की डिमांड है, नेचर की नेचुरल बायोलॉजिकल डिमांड्स हैं। आपको सुसु लगाए तो करना पड़ेगा, रोक नहीं सकते। आपको नींद आएगी तो सोना पड़ेगा, रोक नहीं सकते। सांस रोक कर जी नहीं सकते, नेचर की डिमांड है। नेचर ये कहता है कि अगर बड़ा बनना है तो बड़ा सोचना शुरू कर, छोटी सोच के साथ बड़ा नहीं बनेगा। तो दोस्तों आज से बड़ा पहले सोचो, जब बड़ा सोचोगे बड़ी चीजें अपने आप आपके पास चल के आएंगी। कभी भी आप गरीब हो, आप झोपड़ी में रहते हो, आप साइकिल पे चलते हो, आपके कर्जा है, आप लोअर मिडिल क्लास हो, आप मिडिल क्लास हो, अरे भाड़ में जाए आप किस क्लास के हो, आपकी सोच किस क्लास की है मायने ये रखता है। हर गरीब आदमी इस दुनिया में अमीर बना है, ऐसा नहीं है कि अमीर ही अमीर बना है। दोस्तों कहते हैं गरीब पैदा होना हमारी मजबूरी है, लेकिन गरीब मरना हमारी कमजोरी है। अरे आप झोपड़ी में रहते हो तो क्या फर्क पड़ता है? क्या वो झोपड़ी बड़ा सोचने को आपको मना करती है? आप मिडिल क्लास हो तो क्या फर्क पड़ता है? क्या बड़ा सोचने को मिडिल क्लास आपको मना करती है? बड़ा सोचोगे, मैं लिख कर देता हूं, एक दिन प्राप्त भी करोगे। बॉडी सारा एक्शन वैसे ही करेगी। अरे ये बॉडी आपको प्रधानमंत्री बना सकती है अगर आप सोचो कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। बड़ा सोचोगे बड़ा बनोगे। तो दोस्तों कहने का मतलब, जो लोग फेलियर होते हैं और जो सफल होते हैं उनके बीच का मैंने आपको डिफरेंस बताया दूसरे मंत्र में, सफलता का दूसरा मंत्र, कि कौन फेल होता है कौन पास होता है। जो छोटा सोचते हुए बड़ा काम करता है वो फेलियर होगा और जो बड़ा सोचते हुए बड़ा काम करेगा वो पास होगा। जो सिक्कों के बारे में सोचेगा वो कभी रुपये नहीं कमा पाएगा। चिल्लर जिंदगी सोचने वाले कभी अरबों में नहीं जी पाते, तो बड़ा सोचना शुरू करें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सफलता का दूसरा मंत्र। अब बात करते हैं हम सफलता के तीसरे मंत्र। दोस्तों सफलता का जो तीसरा मंत्र है वो है फेवरेबल एटमॉस्फेयर। आपने ये कहावत सुनी होगी, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, बहुत सुनी होगी। दारूबाजों के साथ रहोगे तो एक दिन दारू भी नहीं सीख लोगे, चोरों के साथ रहोगे तो चोरी करनी सीख लोगे, बदमाशों के साथ रहोगे तो बदमाशी करनी सीख लोगे, और एक दिन कामयाब लोगों के साथ रहोगे तो कामयाबी पानी सीख लोगे। दोस्तों आज हम जिस भी, हमारी सबसे बड़ी विडंबना क्या है एक डायरेक्ट सेलर की, जिस भी घर में वो पैदा होता है, जिस गली में वो रहता है, सुबह से शाम तक काम करता है, फिर उन लोगों के बीच में जाना है, फिर उन गली के बीच में जाना है, फिर उस कमजोर सोच के लोगों के बीच में जाना है। हम जब तक करोड़पति नहीं बन जाते तब तक अपना एटमॉस्फेयर, अपना घर परिवार चेंज नहीं कर पाएंगे, मतलब सॉरी घर चेंज नहीं कर पाएंगे, गली चेंज नहीं कर पाएंगे, मकान चेंज नहीं कर पाएंगे। अभी हमें रोज हमें हमारा प्लान कहता है बड़ा सोचो, लेकिन फिर हमारा उसी घर में जाते हैं, फिर वहीं पर जो हमारे घर वाले भी हैं वो भी कहते रहे छोड़ना, किसने कहा तू 100 करोड़ कमाएगा, किसने कहा तू 200 करोड़ कमाएगा, किसने कहा तू ब्रांड, ये फालतू के काम है, ये फालतू की कंपनी है। गलती उनकी नहीं है,
गलती उस माहौल की है जिसमें उन्होंने जन्म लिया है। उस माहौल में किसी ने कभी उनसे बोला ही नहीं कि तुम कुछ कर सकते हो। और अगर दोस्तों आज तुमने कुछ करने का बीड़ा उठा लिया तो अब वो तुम्हारी भी टांग खींचनी शुरू करेंगे। चाहे वो आपका भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे रिश्तेदार हो, कोई ये बात मानने को तैयार ही नहीं कि मेरा बेटा कुछ कर सकता है। मालूम है क्यों? क्योंकि बचपन से आज तक उन्होंने आपको देखा है। वो जानते हैं आप में कितनी नॉलेज है, वो जानते हैं आप कितने पढ़े लिखे हो। वो कैसे मान ले कि मेरा बेटा कुछ कर सकता है? एक रात में कहीं गया, किसी से प्लान लेके आया, अचानक आके कहता है बाबा मैं ब्रांड एम्बेसडर बनूंगा, मैं 70 करोड़ कमाऊंगा। तो दोस्तों याद रखना, जो लोग इस दुनिया में छोटे होकर बड़ा सोच लेते हैं उनका साथ इस दुनिया में कोई नहीं देता सिवा उनकी बड़ी सोच के, और उन लोगों के जो लोग उन्हें बड़ा सोचने के लिए प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं। चेंज योर एटमॉस्फेयर। दोस्तों हर उस व्यक्ति से दूरी बना लो, किनारा कर लो, चाहे वो कोई भी हो, भाई हो, बहन हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो। मैं ये नहीं कहता किनारा करने का मतलब, दूरी बनाने का मतलब शारीरिक रूप से उनसे दूर मत हो, मानसिक रूप से दूर हो जाओ। छोटी सोच के साथ बड़ी सोच नहीं चल सकती। एक पंख के पंछी साथ रहते हैं, चिड़िया चिड़िया के साथ उड़ती है, कौवा कौवा के साथ उड़ता है, शेर शेरों के साथ रहता है, गीदड़ गीदड़ के साथ रहता है। शेर और गीदड़ साथ नहीं रह सकते। कहने का मतलब हमारे परिवार का कोई कितना ही खास मेंबर है, अगर वो कहता है तू ये नहीं कर सकता तो उसका भी, उसके साथ भी अपनी मानसिकता जोड़ना छोड़ दो। प्यार करो, माँ बाप है, रिस्पेक्ट करो, पूजा करो, चरण छुओ, पर अपनी सोच के साथ जियो। सुनो सबकी, करो अपने मन की। अगर अपने मन की करोगे तो मन की जिंदगी जियोगे, मर्जी की जिंदगी जियोगे, मजबूरी की जिंदगी नहीं जियोगे। जो भी व्यक्ति इस दुनिया में तुमसे कहता है कि तू ये काम नहीं कर सकता उसका साथ छोड़ दो, और जो कहता है तू ये कर सकता है उसको गले से लगा लो। और दोस्तों वो सिर्फ आपका अपलाइन होगा जो रोज कहेगा तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है, और आपको करके दिखाना है। और जो कहते हैं तू नहीं कर सकता उनको बुलाओ, उनके कान में जाके बोलो कि तुझे करके एक दिन जरूर दिखाऊंगा। चाहे वो मेरी माँ ने बोला हो, चाहे मेरे बाप ने बोला हो, चाहे मेरे भाई ने, चाहे मेरी बहन ने, चाहे मेरे रिश्तेदार ने। दोस्तों क्यों? ये जीवन हमारा है, ये जीवन हमें अपनी शर्तों पे जीना है, ये जीवन हमें अपने हिसाब से जीना है। क्योंकि हम कोई गलत काम करने नहीं जा रहे, हम कामयाबी प्राप्त करने जा रहे हैं। उसमें माँ ने अड़ाया रोड़ा, पापा ने अड़ाया, भाई ने अड़ाया, कोई बात नहीं, इज्जत मान सम्मान सबका है, लेकिन जिंदगी अपनी मर्जी की जीऊंगा और कामयाबी जब प्राप्त करूंगा तो उसका सुख मेरा सारा परिवार प्राप्त करेगा। तो दोस्तों अगर बड़ा बनना है, तीसरा मंत्र, बड़ा बनना है तो बड़े लोगों के साथ बैठो, बड़े लोगों के साथ उठो, बड़ी सोच के साथ रहो, छोटे लोगों से दूरी बनाओ, छोटी सोच से दूरी बनाओ, उनके साथ वही रिश्ता निभाओ जो कि एक फॉर्मेलिटी है। अपनी सोच को उनकी सोच के साथ मत जोड़ो। तो तीसरा मंत्र है, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, चेंज द एटमॉस्फेयर। 4 साल के लिए अपना सर्वे सर्वा, अपना सब कुछ अपने अपलाइन को मानो। वो एक व्यक्ति है दोस्तों जो आपको कहेगा अरे चिंता मत कर सर, चेक नहीं बना, अरे बन जाएगा, सर टीम नहीं बनी, अरे बन जाएगी, अरे सर बंदे नहीं आए, अरे आ जाएंगे। वो एक व्यक्ति है जो रोज कहेगा बेटा तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है। अब दोस्तों बात करेंगे हम चौथे मंत्र की। इसलिए बातें आपसे करनी पड़ रही है क्योंकि आजकल ट्रेनिंग वगैरह होती नहीं, कि मुलाकात होती नहीं, तो सोचा चलो एक एफबी लाइव आके ही अपने फाइटर से कुछ बातें की जाए। उसके बाद होता है दोस्तों मोटिवेशन। जब हम इमोशंस के लिए लड़ेंगे, जब हम बड़ा सोचेंगे और बड़े लोगों के साथ रहेंगे तो हम मोटिवेट रहते हैं, हमें अंदर एक मोटिवेशन आता है, कुछ कर गुजरने के लिए एक जोश आता है, एक जज्बा आता है, एक जनून आता है। लेकिन दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि मोटिवेशन कब आता है? आप लोग यहां पर मोटिवेट कैसे हुए? हम डायरेक्ट सेलिंग करेंगे, हम यहां कामयाब? मोटिवेशन आता है इंस्पिरेशन से। इंस्पिरेशन मतलब हम अपने जैसे किसी व्यक्ति को कामयाब होते देखते हैं तो उसके जैसा बनने की एक इच्छा हमारे अंदर जागृत होती है, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। इंस्पिरेशन पहले आता है इंस्पिरेशन। आप किसी शो में आते हो या कोई आदमी प्लान देने आता है या किसी ने आपको बताया महिपाल ये कमा रहा है, अनुज ये कमा रहा है, अमित ये कमा रहा है, शिव कुमार ये कमा रहा है, कुणाल ये कमा रहा है, रामबीर ये कमा रहा है, भंडार ये कमा रहा है, इन सब लोगों को देखते हो यार ये तो वही था मेरी तरह मिडिल क्लास का व्यक्ति है।
ये तो वही मिडिल क्लास है, वही बारहवीं पास है, बीए है, जब ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इसका मतलब ये क्या था? पहले किसी को देखा, पहले किसी अपने जैसे कामयाब को देखा, उससे इंस्पिरेशन आया और फिर आया मोटिवेशन, मैं भी कर सकता हूँ, मैं हिपाल कर सकता हूँ तो मैं भी कर सकता हूँ, शिव कुमार कर सकता हूँ तो मैं भी कर सकता हूँ, ये भी तो मेरे जैसे परिवार से है, ये भी तो मेरे जितना पढ़ा लिखा है, ये भी तो मेरे जैसी क्लास से है। तो दोस्तों इंस्पिरेशन कब आता है? जब हम किसी के जैसा बनना चाहते। तो दोस्तों ये जो मोटिवेशन है ना, ये कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये एक स्टार्टअप है हमारी जिंदगी की जर्नी का, एक स्टार्टअप है मोटिवेशन, कि मुझे डॉक्टर बनना है, ये मोटिवेशन एक ही बार जिंदगी में आता है, मुझे इंजीनियर बनना है एक ही बार आता है, उसके बाद प्रोसेस चालू हो जाता है बनने का, ना कि मुझे डॉक्टर बनना 365 दिन मैं ऐसे मोटिवेट रहा हूं और मैं बन जाऊंगा, नहीं। मोटिवेशन इज जस्ट अ स्टार्टअप ऑफ अवर जर्नी, मोटिवेशन हमारी सफलता की जर्नी का सिर्फ एक स्टार्टअप है, एक पुश बटन है, एक स्टार्टर है। लेकिन ये मोटिवेशन प्रॉपर कब आता है? जब हम अपने जैसे किसी व्यक्ति से प्रभावित होते हैं। तो बहुत से लोग यहाँ किसी ना किसी से प्रभावित है, मुझे पता है, उनके जैसे आप बनना चाहते हैं, उन्हें अपना रोल मॉडल बना लें। दोस्तों जिंदगी में रोल मॉडल बनाना बहुत जरूरी है, इंस्पिरेशन बहुत जरूरी है। एक प्रभावित व्यक्ति आपको अपने जीवन में हमेशा आपकी जर्नी में, आपके दिमाग आपकी सोच में 24 घंटे रहना चाहिए। अगर दोस्तों सचिन तेंदुलकर नहीं होता तो विराट कोहली का जन्म ना होता, सहवाग ना होता, अमिताभ बच्चन दिलीप कुमार ना होते तो शाहरुख खान ना होता। कहने का मतलब इस दुनिया में कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी से प्रभावित हुआ है, और प्रभावित होकर उसने कसम खाई है कि मुझे इसके जैसा बनना है। और वो कसम खाने में आसानी क्यों हुई? क्योंकि जिससे वो प्रभावित हुआ है वो व्यक्ति उसी के जैसा था, उसी के जैसे परिवार से था, उसी के जितना पढ़ा लिखा। तो कहने का मतलब ऐसे प्रभावित व्यक्ति को आपको अपना रोल मॉडल बनाना है। रोल मॉडल बना लिया तो मैं गारंटी देता हूं जीवन में कभी भी शिकायत नहीं आएगी, कभी फेलियर नहीं आएगा। क्योंकि अगर सचिन तेंदुलकर किसी का रोल मॉडल था तो जब कामयाबी पाई तो कैसे पाई? तो वो उसके उसी प्रोसेस से चला, और जब सचिन तेंदुलकर 0 पर आउट हो गया इंडिया टीम से निकला तो वापिस कैसे गया, बाउंस बैक कैसे किया, दोबारा अपनी जगह कैसे बनाई? वो जो तरीके सचिन ने अपनाए, जिसने रोल मॉडल बना वो वैसे चला। अरे इंसान गिरता भी है, इंसान उठता भी है, इंसान चलता भी है, दौड़ता भी है, रुकता भी, सब कुछ होता है। लेकिन हमें कोई प्रभावित तो करे, कि किसी की जर्नी तो हमें प्रभावित करे, कि जब हमें नेगेटिविटी आए या हमें लगे कि मैं नहीं कर सकता, तो जिससे हमने अपना रोल मॉडल माना है उससे उसकी जर्नी पढ़ेंगे तो पता चलेगा, अरे यार जो इंसिडेंट तेरे साथ हो रहा है, जो सिचुएशन तेरे साथ है, तो इसके साथ भी आई थी। और जब ये तेरा रोल मॉडल कर गया तो तू क्यों नहीं कर सकता? दोस्तों इसके बाद आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? जिंदगी में एक बार आता है, जैसे किसी 4 साल में बच्चे ने सोचा मुझे डॉक्टर बनना है। कौन सी उम्र में सोचा? 4 साल की उम्र में। बना कब? कब बना? 4 साल, 8 साल पढ़ाई, 5 साल डॉक्टरी, 13 साल बाद सोचा कब? 4 साल, 4 साल की उम्र में। मोटिवेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी गाड़ी में स्टार्टर बटन ही नहीं होगा, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी तो दौड़ेगी कैसे? लेकिन मोटिवेशन का लाइफ में ज्यादा बड़ा रोल नहीं है। मोटिवेशन अपने आप बना रहता है, परमानेंट मोटिवेशन रहता है, हमेशा आपके अंदर मोटिवेशन रहेगा जीवन भर, अगर आप प्रोसेस फॉलो करोगे। जो आपने सोचा है वो बनने का, अगर वो प्रोसेस को आप प्रॉपर फॉलो करोगे तो आप जीवन में कुछ भी बन सकते हो। एक आदमी ने सोचा मुझे क्रिकेटर बनना है, कितनी उम्र में सोचा? 3 साल की उम्र में सोचा। उसके बाद क्या किया? क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन की, पूरी जिंदगी क्रिकेट खेला। बना कब? 3 साल की उम्र में सोचा। बना कब? 18 साल बाद। कितने साल मोटिवेट रहा? 12 साल। एक ने सोचा मुझे पहलवान बनना है, 4 साल में अखाड़ा ज्वाइन किया। बना कब? 20 साल की उम्र में, 16 साल। ये मोटिवेशन ऐसा होना चाहिए, ये टेम्परेरी नहीं होना चाहिए। लोगों में टेम्परेरी मोटिवेशन है, चेक बना तो मोटिवेट, नहीं बना तो डिमोटिवेट, टीम बनी तो मोटिवेट, टीम टूट गई तो डिमोटिवेट। अरे यार चेक बना था ना, तूने बनाया था ना, तो फिर बन जाए। टीम आई थी ना, तू लाया था ना, तुझे आती है ना बनानी, तो फिर बन जाएगी। ये तो प्रोसेस है जिंदगी में, आना जाना, बनना घटना, मुनाफा घाटा। लेकिन क्या एक आदमी जब 4 साल की चौथी क्लास में उसने सोचा मुझे पहलवान बनना है, अरे बहुत कुश्ती हारी भी होंगी तो बहुत कुश्ती जीती भी होंगी यार, ऐसा थोड़ी है कि सारी कुश्ती उसने जीती है। लेकिन उसने छोड़ा नहीं, अपना मोटिवेशन नहीं छोड़ा। और उसका मोटिवेशन क्या था? इंडिया टीम के लिए खेलना है, बस। क्रिकेटर का क्या था? मुझे क्रिकेट इंडिया टीम के लिए खेलना है। इस बीच में कितनी बार गिरूंगा, कितनी बार उठूंगा, कितनी बार रुकूंगा, कितनी बार चलूंगा, कितनी बार तकलीफ आएंगी, कितनी बार नहीं आएंगी, फर्क नहीं पड़ता। ब्रांड एम्बेसडर मेरा मेन मोटिवेशन है।
वहां तक जाने तक मेरा मोटिवेशन लेवल में फर्क नहीं होना चाहिए। ये टेम्पररी मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। आज जोश में कल बेहोश है। कुछ अच्छा हो रहा है तो बहुत बढ़िया, और कुछ बुरा हो गया तो मर गया। हम 14 साल से मैं काम करता हूं, एक ही मोटिवेशन से आज से काम करता हूं। और दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो आपके लीडर है ना, जिनके आप नाम से जीते हो, जो आपके रोल मॉडल हैं, अनु शर्मा, अमित दुबे, भंडारी, दलीप, महिपाल, शिव कुमार, कुणाल, नसीब खान, मदन लाल, जितने भी डायमंड वगैरह है, डायमंड से ऊपर जितने भी हैं, क्या सोचते हो ये कौन है? इनके साथ इनके चेक नहीं टूटे क्या? इनकी टीम नहीं टूटी क्या? लेकिन ये जिस दिन से काम कर रहे हैं उस दिन से उसी ऊर्जा से काम कर रहे हैं। ऊर्जा कम नहीं होने दी। चेक ज्यादा आया, चेक कम आया, टीम कम बनी, टीम ऊर्जा कम नहीं होने दी, मोटिवेशन कम नहीं होने दिया। तो दोस्तों मोटिवेशन का मतलब है परमानेंट मोटिवेशन, टिल द गोल अचीव, टिल द सक्सेस अचीव। जब तक सफलता नहीं मिल जाती, गोल पूरा नहीं हो जाता, कुश्तियां लड़ते रहना है, क्रिकेट खेलते रहना है, डांस करते रहना है, प्लान देते रहना है, प्लान देते रहो, देते रहो, देते रहो, कोई आएगा कोई नहीं आएगा। आप अपना कर्म करो, फल की चिंता ना करो, क्योंकि कर्म का बाईपार्ट फल है, कर्म का बाईपार्ट फल है, फल जरूर मिलेगा। तो ये है दोस्तों पांचवा मंत्र मोटिवेशन। अभी मोटिवेशन को और मजबूती से बरकरार कैसे रखा जा सकता है, वो कौन सा तरीका है कि मोटिवेशन बना रहे, रिजल्ट आता रहे, रिजल्ट कम ना आए, कामयाबी मिलती रहे? तो दोस्तों वो एक ही तरीका है। और मैंने फिर कहा, पूरी दुनिया के हर व्यापार में, हर प्रोफेशन में, हर धंधे में एक ही तरीका है, एक ही प्रिंसिपल है, जिन्हें फॉलो करके सभी लोग बड़े बनते हैं। और दोस्तों वो है एजुकेशन। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी विडंबना दोस्तों यही है, यही सब्जेक्ट है, वो है एजुकेशन। एजुकेशन यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और इस एजुकेशन पे लोग बिल्कुल भी फोकस नहीं करते। डायरेक्ट सेलर आता है, लोग ज्वाइन होते हैं, अगले दिन ही काम पे निकल जाते हैं, आता जाता कुछ नहीं, और सोचता है मैं ब्रांड एम्बेसडर बन जाऊंगा, मैं ये बन जाऊंगा, मैं वो बन जाऊंगा। तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का जो सबसे बड़ा मंत्र है, सफलता का सूत्र है, या जीवन का, या किसी भी प्रोफेशन का, वो है एजुकेशन। मुझे डॉक्टर बनना है, मोटिवेशन। बनना कैसे? साइंस पढ़नी है, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़नी है, मतलब पढ़ना है फिर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये मोटिवेशन है। सिर्फ ये शुरुआत है, लेकिन बनेगा कब? जब पढ़ेगा। मुझे इंजीनियर बनना है, मोटिवेशन, लेकिन पढ़ाई करेगा तब बनेगा। मुझे क्रिकेटर बनना है, मोटिवेशन, लेकिन अकेडमी ज्वाइन करके क्रिकेट खेलेगा तभी तो एजुकेशन, जब एजुकेशन लेगा तभी तो क्रिकेटर बनेगा। तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे बिजनेस में पढ़ाया नहीं जाता, और हमारे लोग पढ़ते भी नहीं है, और वैसे भी हमारे लिए किसी ने इंस्टीट्यूट नहीं खोला। अरे ये भी करोड़ों अरबों का बिजनेस है, जिस बिजनेस में लोग 30-30 लाख, 40-40 लाख हर महीना कमा रहे हैं, क्या ये कोई प्रोफेशन नहीं है? क्या यहाँ कोई एजुकेशन नहीं होती होगी 40 लाख रुपए महीना कमाने के लिए? अरे एक आदमी डॉक्टर बन के 1 लाख रुपए महीना कमाता है, 5 साल पढ़ता है, इंजीनियर बन के 50,000 महीना कमाता है, 4 साल पढ़ता है, और यहाँ पर जहाँ 40-40 लाख कमाते तो यहाँ कोई एजुकेशन नहीं होगी? क्या ये प्रोफेशन विदाउट एजुकेशन सक्सेस दिला देगा? बिल्कुल नहीं दिलाएगा। और हमारी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी विडंबना है कि एजुकेशन लेवल यहाँ जीरो है। मोटिवेशन, 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 विदाउट एजुकेशन मोटिवेशन इज वर्स्ट। कोई फायदा नहीं है इस मोटिवेशन का विदाउट एजुकेशन। फर्स्ट एजुकेट योर सेल्फ, देन मोटिवेट योर सेल्फ। मोटिवेशन अपने आप आएगा जब एजुकेशन होगी। तो दोस्तों एजुकेशन की मैं बात करूं, 100% एजुकेट योर सेल्फ। आप यहां पर अपने अपलाइन से बोलते हो मुझे सपोर्ट करो, मुझे बंदे दो, मुझे लाइन दो। अरे बाहर में गई लाइन, बाहर में गया सपोर्ट, मुझे अपने जैसा बना दो, मुझे काबिल बनाओ, कामयाबी झक मार के मेरे पीछे आएगी। हिंदुस्तान में 135 करोड़ लोग हैं, लाइन अपने आप चला लूंगा, लोग अपने आप ढूंढ लूंगा। लाइन चलाने सिखाओ, लोग जोड़ने सिखाओ, मुझे काबिल बनाओ, काबिल काबिलियत होगी, कामयाबी झक मार के आएगी। और ये मैंने अपने अपलाइन से आज से 14 साल पहले माना था। मुझे काबिल बनाओ, मुझे पता था कि ये सेल्स की दुनिया है। दोस्तों अब आप समझिए, हमारे बिजनेस में आप आते हो, आपको काम क्या करना है? एजुकेशन के बिना ना कोई क्रिकेटर बना, ना डॉक्टर बना, तो कोई नेटवर्कर कैसे बन सकता? जहां 40 लाख रुपए महीने का ऑप्शन हो, जहां 1 करोड़ रुपए महीने का ऑप्शन,
और हमारे धंधे में हमें काम क्या करना है, हमें लोगों को कन्वेंस नहीं करना, हमें उन्हें कन्वर्ट नहीं करना, उनका माइंड हमारे बिजनेस के लिए डाइवर्ट नहीं करना, उनकी जेब से पैसा नहीं निकालना, उनको हमें कन्वे क्या नाम है सेटिस्फेक्शन नहीं देना, सेल्स करना है। और हमारे बिजनेस में सेल्स करने की टेक्निक सिखाई जाती है अगर कोई सीखना चाहे तो। क्योंकि दोस्तों सेल्स करने की मैं बात करूं, अगर सेल्स करने की बात करें, लोगों को कन्वेंस करने की बात करूं, लोगों को सेटिस्फाइड करने की बात करूं, लोगों को कन्वर्ट करने की बात करूं, तो बीबीए का 4 साल का कोर्स, एमबीए का 2 साल का कोर्स, 6 साल लगते हैं एक आदमी को दूसरे की जेब से पैसा निकालना सीखने के लिए। 6 साल, तब जाके 50,000-30,000 रुपए महीने की कोई कंपनी मार्केटिंग में नौकरी देती है। नेटवर्क के आगे लिखा है मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। मार्केटिंग के बच्चों को अब 30,000-30,000 की नौकरी मिलती है, उसके लिए 6 साल पढ़ना पड़ता है। और जहां 1 करोड़ रुपए महीने की बात हो, 16,00,000-8,00,000-10,00,000-50,00,000 महीने की बात हो, क्या ये मार्केटिंग नहीं सीखनी पड़ेगी? क्या यहाँ अपने आपको एजुकेट नहीं करना पड़ेगा? एजुकेट करना नहीं है, फिर ब्लेम गेम खेलना है। सर मैंने 10 को बताया, कैसे बताया, क्या बताया? सर मैंने 20 आदमी को बताया, किसी ने पैसे नहीं दिए। अरे भाई तूने को बताना नहीं आता, जब तूने पैसे दे दिए किसी के बताने से, तो तेरे बताने से भी कोई देता। अगर तुझे बताना आता, तुझे समझाना आता, तो एजुकेट योरसेल्फ दोस्तों। इस बिजनेस में अपने आप को एजुकेट करो, लोगों को संतुष्ट करना सीखो, लोगों को सेटिस्फेक्शन देना सीखो, लोगों के ऑब्जेक्शन के सॉल्यूशन देना सीखो। कोई नहीं खड़ा पीले चावल लेके, आओ और मैं ज्वाइन करूंगा। कोई नहीं खड़ा, जितने खड़े हैं सब ना लेके खड़े, हम नहीं करेंगे। वो कहेंगे हम नहीं करेंगे, उनके पास 1,000 ऑब्जेक्शन है नेटवर्क मार्केटिंग ना करने के, प्रोडक्ट ना खरीदने के, तो हमारे पास 1,00,000 सॉल्यूशन होने चाहिए उनसे नेटवर्क मार्केटिंग करवाने के, हमारे प्रोडक्ट खरीदवाने के 1,00,000 सॉल्यूशन होने चाहिए। यह लड़ाई आपकी और इंसानों की नहीं है, लड़ाई ऑब्जेक्शन और सॉल्यूशन की है। अगर उनकी ना जीतेगी तो वो जीतेंगे, और अगर हमारी हाँ जीतेगी तो हम जीतेंगे। उनकी ना नहीं जीत सकती, अगर हमें हाँ करवाना आता है तो, अगर हमें ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन आता है तो, अगर ये एजुकेशन हमें आती है, 100% लोगों को संतुष्ट करना आता है, तो जीत हमारी जरूर होगी। तो दोस्तों अब हमारे लोग एक मिलेनियर क्लब चलाने वाले हैं। उस मिलेनियर क्लब में हर व्यक्ति को फुल एजुकेट किया जाएगा, फुल एजुकेशन मिलेगी। और ये हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमारी कंपनी में पहली बार लीडर्स 1 महीने का एक क्लब चलाएंगे, जिसमें 1 घंटे आपको रोज टाइम देना होगा। हर व्यक्ति को उस क्लब में एडमिशन लेना है, हर व्यक्ति को एजुकेट करना है। मैं फिर कह रहा हूं, अपलायंस से टीम मत मांगो, अपलायंस से लेग मत मांगो, अपलायंस से काबिलियत मांगो कि सर मुझे अपने जैसा बना दो, मुझे काबिल बना दो। क्योंकि काबिलियत होगी तो कामयाबी को हाथ जोड़कर मेरे कदमों में आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास काबिलियत। तो दोस्तों एजुकेट योरसेल्फ, अच्छे प्लानर बनो, अच्छे ट्रेनर बनो, अच्छे मोटिवेटर बनो, अच्छे काउंसलर बनो। अपने अंदर कोई कमी मत छोड़ो। बस ये सोचो कि 1,00,000 की डॉक्टरी करने के लिए अगर 15 साल पढ़ना पड़ता है, 50,000 की इंजीनियरिंग करने के लिए 4 साल 5 साल 8 साल पढ़ना पड़ता है, तो क्या एक नेटवर्कर बनने के लिए पढ़ना नहीं पड़ेगा? एक प्रॉपर लीडर बनने के लिए पढ़ना नहीं पड़ेगा? तो दोस्तों दुनिया अगर जीतनी है तो काबिल बनो। अब जब आदमी काबिल हो, अब लोग कहते हैं अरे सर अगला सब्जेक्ट ही है ये शायद, मैं नेगेटिव हो जाता हूं सर, मुझे नेगेटिविटी बहुत आती है, मैं क्या करूं? कई लीडर भी आके बताएंगे अरे सर मेरा लीडर तो नेगेटिव हो गया, ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। अब किसी को पॉजिटिव रखा जा सकता है क्या? क्या मेरे कहने से कोई पॉजिटिव हो सकता है? एसएलपीएस के सभी फाइटर हमेशा पॉजिटिव रहेंगे? अरे ये कोई बात नहीं है यार, ऐसे नहीं होता कि मेरे कहने से कोई पॉजिटिव रहेगा या किसी अपलाइन के कहने से कोई पॉजिटिव रहेगा। ऑलवेज बी पॉजिटिव। भाई आप पॉजिटिव कब रहोगे? जब रिजल्ट आएगा। एक बात बताओ, आपका एग्जाम है, आपने 100 में से 100 नंबर का याद कर रखा है, आप एग्जाम देने गए, आपने एग्जाम दिया देने गए तो आप डर के जाओगे, हंस के जाओगे? अरे हंस के जाओगे, क्यों क्यों हंस के जाओगे? क्योंकि आपको आता है, 100 में से 100 का आता है। आप नेगेटिव हो गए पॉजिटिव हो गए? पॉजिटिव हो गए क्योंकि आपको आता है। लेकिन आपका एग्जाम है, आपने 100 में से 20 नंबर का याद किया, नेगेटिव हो गए पॉजिटिव हो गए? नेगेटिव हो गए क्योंकि आपको नहीं आता है।
ये जो हम कहते हैं अरे लोग पॉजिटिव नहीं है, लोग नेगेटिव हो जाते हैं, अरे नेगेटिव कोई नहीं होता। सबसे पहली बात है हमारी जिम्मेदारी है लोगों को एजुकेट करना, 100 में से 100 नंबर का याद कराना। साला 100 में से 100 नंबर का याद रहेगा तो दुनिया में कोई आदमी नेगेटिव नहीं होगा। पेपर देने हंसता हुआ खेलता हुआ जाएगा याद। इसी तरह जब एक बात बताओ, यहाँ पर हमारे कई लड़के मेहनत करते हैं, 50 को प्लान देते हैं, कोई आईडी नहीं आती। 5-5 महीने हो जाते हैं, 1-1 महीना हो जाता है, उसका प्लान कहता है अरे सर साला नेगेटिव हो गया। क्यों भाई नहीं होता? 60 दिन से भाग रहा है, 200 आदमियों को समझा चुका है, एक ने भी पैसे नहीं दिए, नेगेटिव नहीं होगा क्या? होगा नेगेटिव। 120 आदमी में से अगर कोई पैसे नहीं देगा तो पॉजिटिव कहां से होगा? तो दोस्तों जितने भी लोग ऐसे भाग रहे हो ध्यान से सुनो, अपलाइन की भी गलती नहीं है, आप बिना सीखे भाग रहे हो, गलती आपकी है। और आपने 10 को आदमी प्लान देगा, 5 आदमी पैसा देंगे चेक बनेगा, फिर 10 को प्लान देगा, 5 पैसा देंगे चेक बनेगा, फिर 10 को प्लान देगा, 5 पैसा देंगे चेक बनेगा, फिर 10 को प्लान देगा, 5 पैसा देंगे चेक बनेगा। क्या ऐसा व्यक्ति कभी नेगेटिव हो सकता है? अरे महिपाल कहे ना, शिव कुमार कहे, रामवीर कहे, अगर किसी व्यक्ति का चेक बन रहा है कि तू नेगेटिव हो जा, बोला साला तू नेगेटिव हो जा, मैं नेगेटिव नहीं होगा। क्यों? उसको जो उसका पर्पस था वो सोल्व हो रहा है, जिस मकसद था वो मकसद वो प्राप्त कर रहा है, उसे मिल रहा है। तो दोस्तों पॉजिटिव कौन रहेगा? जिसको रिजल्ट मिलेगा। और नेगेटिव कौन होगा? जिसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और रिजल्ट कब मिलेगा? जो 100 में से 100 नंबर का याद होगा। जिसको डमरू बजाना आता होगा, लोगों के से पैसे निकालना आता होगा, लोगों को अपनी बात मनवानी आती होगी, लोगों को संतुष्ट करना आता होगा, लोगों की ना को हामे करवाना आता होगा, हर ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन देना जिसे आता होगा, मेरे भाई गारंटीड वो आदमी जीवन में कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो अप्लाइंस या लीडर्स या फ्रेशर जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो लीडर सुन रहे हैं, लोगों को अपने एजुकेट करो, और जो फ्रेशर सुन रहे हैं खुद एजुकेशन लो बेटा, काबिल बनो, कामयाबी छक मार के आएगी। लोगों की जेब से पैसा निकालना सीखो, लोगों को संतुष्ट करना सीखो, लोगों को अपनी बात मनवाना सीखो। और इसके लिए डायरेक्ट सेलिंग में बहुत अच्छी अच्छी एजुकेशन है जो समय समय पर हम आपको देते रहेंगे, हमारे लीडर देते रहेंगे। निराश मत रहो, उदास मत हो, अब तक जो हुआ हुआ, आज से पहले 4 महीने से चेक नहीं बना मत घबराओ, 6 महीने से नहीं बना मत घबराओ, समय बीत चुका है, आज के बाद खुद को काबिल बनाना शुरू करो। काबिल बनने से पहले बाजार में मत जाओ, बाजार में काबिल बन के जाओ। अगर उससे पहले बाजार में जाओ तो किसी काबिल अपलाइन को साथ में लेके जाओ, जिससे कि आपकी लिस्ट खराब ना हो। तो ये था दोस्तों एक और मंत्र जो मैंने आपको बताया, ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रहना, कोई किसी के कहने से मेरे भाई पॉजिटिव नहीं रह सकता, किसी की कामयाबी देखकर कोई पॉजिटिव नहीं रह सकता, खुद को रिजल्ट दिलाकर कोई पॉजिटिव रह सकता है, खुद की कामयाबी देखकर कोई पॉजिटिव रह सकता है। अब बात करते हैं हम अगले मंत्र। मुझे लग रहा है आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, शायद मैं कोशिश करूंगा आप लोग बोर ना होएं, टाइम टेकिंग है थोड़ा ज्यादा नहीं। और दोस्तों जब ये सारी चीजें, हमारे यहां 7वां मंत्र जो आ गया, बस 2 मंत्र और रह गए हैं अभी, पैशन फॉर सक्सेस। अब एक बात बताइए, जो आदमी बोला जोश में काम करो, जुनून में काम करो, पागलपन की हद तक काम करो, मैं फिर कह रहा हूं मैं काम कब करूंगा, मैं मोटिवेट कब रहूंगा, मैं पॉजिटिव कब रहूंगा, मेरा किसी भी काम में मन कब लगेगा, मुझ में जोश कब आएगा, हिम्मत कब आएगी, जज्बा कब आएगा, जब काम करना आता होगा। ऐसे सोचो मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मेरा बड़ा पैशन है क्रिकेट खेलने में, लेकिन मैं चाहता हूं हर बार 0 पे आउट हो जाता हूं, चाहता हूं हर बार 0 पे आउट हो जाता हूं, क्रिकेट खेलने का मन कब तक करेगा, मैं कब तक टिका रहूंगा पिच पर, कहां से पैशन आएगा, कहां से जोश आएगा। और उसी क्रिकेट में मैं चाहता हूं एक चौका, ये छक्का, ये चौका, ये छक्का, ये सेंचुरी, ये हाफ सेंचुरी, अब क्रिकेट खेलने का मन करेगा ना, अब पूरे दिन खेलूंगा ना, अब पसीना बहाने का मन करेगा ना, अब दिन रात मेहनत करने का मन करेगा ना, अब रात को जागने का मन करेगा ना। क्यों? पैशन फॉर सक्सेस। भाई सक्सेस के लिए पैशन कब डेवलप होता है? जब रिजल्ट आता है, वो काम हमें आता हो। जो काम हमें नहीं आएगा उसमें ना जोश आएगा, ना जुनून आएगा, ना जज्बा आएगा। काम आ जाएगा तो ये जोश, जुनून, जज्बा आ जाता है। अब एक बात बताइए, जो लोग सुबह से शाम तक कुश्ती करते, 12-12 साल कुश्ती करते हैं, सीखते, उन्हें क्या पता कि उनका इंडिया टीम में सिलेक्शन होगा। वो तो 12 साल तक अखाड़े में लड़ रहे थे ना भाई, अखाड़े में कर रहे थे ना मेहनत, उन्हें थोड़ी पता था तुम्हारा सिलेक्शन होगा।
पैशन, पैशन 12 साल तक वही जोश, वही जुनून, ये वही जोश वही जुनून आपको कब तक रखना है? पहले काम सीखना है, पॉजिटिव रहना है, रिजल्ट निकालने वाला बनना है, लेकिन जब ये सब बन जाए तो ये जोश को टेम्परेरी नहीं रखना, ये जज्बे को टेम्परेरी नहीं रखना। 1.5 घंटे का फुटबॉल का मैच है, जैसे पहली मिनट की शुरुआत होती है अगर एंड भी ऐसा ही होगा तो मैच जीतने की गारंटी है। 10 मिनट तो दबा के मेहनत करी और अगले 1 घंटा 20 मिनट मेहनत नहीं करी तो मैच आपका नहीं होगा। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोगों का पैशन खत्म हो जाता है, लोगों का जोश खत्म हो जाता है। जहां पर आप इतने बड़े आदमी बन सकते हो, इतना नाम सम्मान पहचान पैसा आपके पास आ सकता है, उन लोगों को देखो जो बचपन से क्रिकेट खेलते 12 साल तक एक ही जज्बे के साथ, एक ही जोश के साथ, रोज सुबह चार बजे, और ये भी पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं, रिजल्ट मिलेगा या नहीं, उसके बाद भी उनके जोश खत्म नहीं होते 12 साल तक। एक आदमी जो बॉक्सिंग सीखता है, जो कुश्ती सीखता है, 12-13 साल तक रोज पसीना बहाता है, रोज 4 बजे उठता है, रोज पसीना बहाता है, मालूम नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं। ना उम्मीद, एक उम्मीद के ऊपर, वो भी उम्मीद कंप्लीट होगी, सक्सेस में कन्वर्ट होगी नहीं पता नहीं। 4 साल बाद ओलंपिक आता है, एक ओलंपिक मेडल में 2 सेकंड कम करने के लिए दौड़ में एक ओलंपियन 4 साल तक मेहनत करता है, मालूम नहीं रिजल्ट आएगा नहीं, मालूम नहीं सक्सेस आएगी या नहीं, मौका मिलेगा या नहीं। दोस्तों, जहां जीवन में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस कंफ्यूज प्लेटफॉर्म के लिए, ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए लोग अगर 4 साल 8 साल 12 साल एक जज्बे एक जोश के साथ मेहनत कर सकते हैं, अरे आपका रिजल्ट तो हर बुधवार को मिल जाता है, आपका रिजल्ट तो हर बृहस्पतिवार को मिल जाता है, हर हफ्ते का जोश, हर हफ्ते का जुनून आपको हर हफ्ते रिजल्ट देता है। अरे यहाँ पर अगर किसी का जोश ठंडा हो रहा है, जुनून ठंडा हो रहा है, जज्बा खत्म हो रहा है, हिम्मत खत्म हो रही है, तो मैं कहता हूं डूब मरो, फिर आपके लिए दुनिया में कोई रास्ता नहीं, फिर आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। अरे हमारा व्यापार तो ऐसा है जो हर हफ्ते रिजल्ट देता है भाई, हर हफ्ते रिजल्ट आता है। तो दोस्तों, ये जज्बा, ये जोश, ये जुनून हमारा गारंटीड रिजल्ट ओरिएंटेड है, गारंटीड सफलता मिलेगी। और दुनिया 12-12-15 साल मेहनत करती है, वहां कोई गारंटी नहीं है, हमारे यहाँ गारंटी है। और ये प्राण है मेटर की गारंटी है आपकी बनने की, आप बनोगे, लेकिन ये जज्बा खत्म नहीं होना चाहिए, ये जज्बा बना रहना चाहिए, ये जोश बना रहना चाहिए, ये हिम्मत बनी रहनी चाहिए। देखो दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। बात करते हैं 8वें मंत्र की, सफलता का 8वां मंत्र। पेशेंस। दोस्तों, पेशेंस सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है किसी भी इंसान की सफलता का। फिर वहीं पर आएंगे, सारे प्रोफेशन में एक ही प्रिंसिपल काम करते हैं, एक जैसे असूल काम करते हैं। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, नेटवर्कर बनना, डांसर बनना, क्रिकेटर बनना, अगर कुछ भी बनना है असूल सेम है, पेशेंस। डॉक्टर बनना है पहले पूरा 12वीं तक स्कूल में पढ़ना है, 5 साल मेडिकल हॉस्पिटल, 17 साल पढ़ना है फिर डॉक्टर बनेगा। इंजीनियर बनना है पहले 12वीं तक स्कूल में पढ़ना है, 4 साल और पढ़ना है, 16 साल पढ़ना है फिर इंजीनियर बनेगा। नेटवर्कर बनके कामयाब होना है तो 4 साल तो लगेगा, पेशेंस रखना है। दोस्तों, ताजमहल बनाना है जिंदगी को तो सालों लगेंगे, और अगर एक झोपड़ी जैसा मकान बनाना है तो 2 दिन में बन सकता है। इस दुनिया में ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जहां इन अ नाइट, इन अ 24 आवर्स कोई सक्सेस हुआ है। दुनिया में सफल जो भी हुआ है उसके प्रयास और प्रयत्न सालों रहे हैं, तब जाके उसके प्रयास और प्रयत्न सफलता में कन्वर्ट हुए हैं, उसने सफलता प्राप्त करी है। तो दोस्तों, यहां भी पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। पहले 2 लोग आएंगे, अब 2 लोग हैं तो आप अकेले हो, फिर 4 आएंगे, फिर 8 आएंगे, फिर 16 आएंगे, फिर 32 आएंगे। भाई जब पहले अकेले थे तो अकेले काम करते थे, जब 32 आएंगे तो 32 काम करेंगे, काम ज्यादा होगा या कम? लोग जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे काम बढ़ता रहेगा, पैसा बढ़ता रहेगा, लेकिन लोग बढ़ेंगे कब? जब आप लगे रहोगे। अगर आप मैदान छोड़ के भाग जाओगे, मैदान में डटोगे नहीं, तो लोग कहां से आएंगे?
लोग कब आते रहेंगे, आप काम करते रहोगे। पेशेंस रखो। पहला चेक 1000 का ही आया था, वो चाहे महिपाल का हो, चाहे शिव कुमार का हो, चाहे रामवीर का हो, पहला चेक 1000 का ही आया था, आज 40 लाख का है। पर इस 40 लाख के लिए इनका मोटिवेशन पिछले 10 साल से वही है, इनका एजुकेशन 100% है, इनका पैशन 10 साल से वही है, इनका माइंड पॉजिटिव 10 साल से वही है, और इनका 10 साल से है। 1000 का चेक इंतन का जो 40 लाख में कन्वर्ट हुआ है। मेरे दोस्त, जिंदगी की शुरुआत पहली सीढ़ी से होती है, पहले कदम से होती है। मंजिल चाहे हजारों लाखों किलोमीटर की हो, पहला कदम तो रखना होता है। तो यही है पेशेंस। मंजिल क्लियर है, गोल क्लियर है, ब्रांड एम्बेसडर बनना है, बस अब कब बनना है, कब बनोगे वो तारीख समय जरूर आएगा। आपका काम है पेशेंस रखो, लगे रहो। रातों रात रिजल्ट को एक्सेप्ट मत करो, साल भर में एक्सेप्ट मत करो। अरे मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं, जब तक डायमंड नहीं बन जाते तब तक पेशेंस रखो। डायमंड बनते ही देखना ये बिल्डिंग कैसे बनेगी। दोस्तों ये जीवन की सच्चाई, डायमंड बनने तक दिनों रात मेहनत करो, उसके बाद टीम आपके लिए काम करेगी। आज आप देख भी रहे हो, आज आपके सामने ये प्रूफ है। जो लोग डायमंड हमकी टीम में काम करते हैं उनके चेक बनते हैं, और डायमंड बनने तक बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ा खुद को झोंकना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, रातों को जागना पड़ेगा, और दोस्तों जिंदगी में बहुत बहुत कुछ खोना भी पड़ेगा डायमंड के सफर तक, लेकिन उसके बाद सब कुछ पाओगे। नींद खोगे, भूख खोगे, प्यास खोगे, परिवार खोगे, रिश्तेदार खोगे, इवेंट खोगे, शादियां खोगे, बर्थडे खोगे, लेकिन ये सब खोलोगे, लेकिन जो पाओगे ना डायमंड बनने के बाद, वो भी अपने आप में एक असीम अद्भुत अनुभव आपको होगा। तो दोस्तों ताजमहल जैसी जिंदगी चाहिए ना, तो पेशेंस रखो। झोपड़ी की जिंदगी चाहिए तो मेरी तरफ से रातों रात रिजल्ट एक्सेप्ट करो, और ताजमहल जैसी जिंदगी के लिए 4 साल कम से कम दिन और रात मेहनत करो। अरे दुनिया 40 साल में सफलता दिलाएगी, डायरेक्ट सेलिंग एसलीपीएस मात्र 4 साल में दिलाएगी, लेकिन 4 साल ना दिन है, ना रात है, ना भूख है, ना प्यास है, ना घर है, ना द्वार है, 4 साल सिर्फ फील्ड है, सिर्फ फील्ड है, सिर्फ फील्ड है, और 4 साल बाद हम देखेंगे हम कहां खड़े हैं। और आज एसलीपीएस के अंदर कोई फैक्टर नहीं कह सकता जिसने 4 साल काम किया है कि सर मैं कामयाब नहीं हूं। एक एक फाइटर कामयाब है, एक एक फाइटर करोड़पति है, और आने वाले समय में इसी तरह 4 साल में हमारे सभी फाइटर करोड़पति बनेंगे। बस दोस्तों धैर्य लूज मत करना। कुछ बड़ा करना है तो बड़ा समय लगता है, छोटा करना है तो छोटा समय लगता है। बड़ा करने निकले हो, बहुत बड़ा बनने निकले हो, तो थोड़ा समय तो लगेगा ही लगेगा। अब बात करते हैं सफलता के अगले मंत्र की, आखिरी मंत्र आज का, डायरेक्शन का मतलब होता है दोस्तों हमें कोई दिशा निर्देश देने वाला कोई अनुभवी व्यक्ति, जिसके डायरेक्शन में हम अपना जीवन जिए। दोस्तों हम कितने ही बड़े अपने आप में समझते हो, हम बहुत टैलेंटेड है, स्मार्ट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ठीक है, हम सब कुछ है, लेकिन दुनिया में याद रखना, हम जब तक कुछ नहीं है, जब तक हमारा एक गुरु नहीं है, एक कोच नहीं है, एक डायरेक्टर नहीं, हम लोग अगर मर्जी से चलेंगे तो कहीं भी रास्ता भटक सकते हैं, कहीं भी खुद को बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी गुरु के शरण में जाके उसके दिशा निर्देश अनुसार चलेंगे तो रास्ता भटकने के चांस नहीं है, ना कामयाबी के बिल्कुल चांस नहीं है। डायरेक्शन में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी को गुरु बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी एक को अपना गुरु बना लो और उसको अपना जीवन सौंप दो, और उसको बोल दो कि सर 4 साल में 1 करोड़ चाहिए, बात खाता, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, रात को नहीं सोना फर्क नहीं पड़ता, दिन में नहीं खाना फर्क नहीं पड़ता, आप जो बोलोगे मैं करूंगा, दिशा निर्देश आपके होंगे, मेहनत मेरी होगी, डायरेक्शन आपका होगा, काम मैं करूंगा, कामयाबी छक मार के आपके पीछे आएगी। मेरे दोस्त एक बात आपको बताना चाहूंगा, कितना ही बड़ा एक्टर और सुपरस्टार हो, डायरेक्टर वहां भी लगता है। सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेटर को भी कोच लगता है, विजेंदर जैसे बॉक्सर को भी कोच लगता है, सुशील जैसे रेसलर को भी कोच लगता है, डायरेक्शन डायरेक्शन डायरेक्शन, कोच कोच कोच, गुरु, सबको लगता था, सबको लगता है, सबको। कितना ही बड़ा कोई स्टार हो डायरेक्टर लगता है। आप क्या हो, कितने चश्मे वाले हो, बहुत अच्छी बात है, अरे आप टैलेंटेड हो तो अच्छी बात है, आप अनुभवी हो तो अच्छी बात है, पर डायरेक्टर के बिना
जीवन सफल नहीं हो सकता, एक डायरेक्टर हमेशा लगेगा। क्योंकि दोस्तों मैं बहुत मजबूत हूं, मुझे बहुत अच्छी बॉक्सिंग खेलनी आती है, ताकत बहुत है शरीर में, पर कौन सा पंच निकालना है, कौन सा बचाना है, कौन बताएगा? कोच ही तो बताएगा, डायरेक्टर ही तो बताएगा। तो डायरेक्शन में चलना है, हमेशा एक डायरेक्टर रखना है। दोस्तों बड़े से बड़े स्टार की फिल्म फ्लॉप हो जाती है जब डायरेक्शन गलत होता है, जब स्टोरी गलत होती है, स्क्रीन प्ले गलत होती है। सलमान खान जैसों की ट्यूबलाइट भी बुझ जाती है, उनकी भी पिक्चरें फ्लॉप हो जाती है। लेकिन जब डायरेक्शन अच्छा होगा, स्टोरी अच्छी होगी, स्क्रीन प्ले अच्छा होगा, गुरु अच्छा होगा, तो चेले की सफलता की गारंटी है। मेरे दोस्त अमिताभ बच्चन अगर सुपरस्टार बना है तो उसका कारण था प्रकाश झा। अगर प्रकाश झा नहीं मिला था तो अमिताभ बच्चन की 15 पिक्चर फ्लॉप हुई थी। आप सब में एक एक्टर है, आप सब में एक सुपरस्टार है, आप सबको सिर्फ डायरेक्टर की जरूरत है। और वो डायरेक्टर है आपके अच्छे अपलाइन, असली पेस के अच्छे लीडर, असली पेस के ब्रांड 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 लीडर, एजुकेटेड लीडर, टैलेंटेड लीडर, वो आपके डायरेक्टर हैं। मैं नहीं कहता आप एक्टर नहीं हो, मैं नहीं कहता आप सुपरस्टार नहीं हो, मैं नहीं कहता आप में जोश नहीं है, मैं नहीं कहता आप अनुभवी नहीं हो, आप नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हो, पर डायरेक्टर लगता है। अमिताभ जैसे को लगा 15 फिल्म बनाई, डायरेक्टर बेकार था, डायरेक्शन गलत था, प्लेटफॉर्म बेकार था, फेल हो गया, 15 फ्लॉप हो गई। उसके बाद मिला प्रकाश झा डायरेक्टर, प्लेटफॉर्म मिला जंजीर फिल्म, उसके बाद आज अमिताभ बच्चन महानायक बन गया, इस सदी का सुपरस्टार बन गया। दोस्तों इसी तरह आप सब में एक एक्टर है, आप सब में एक सुपरस्टार है, एक सुपरस्टार है। दुनिया का हर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए जंजीर जैसी फिल्म और प्रकाश जैसा झा जैसा डायरेक्टर चाहिए। तो प्रकाश झा जैसे डायरेक्टर आपके अपलाइन है, जो मैं कहता हूं जैसे असली पेस में ईमानदार लोग हैं, सच्चे लोग हैं, नेक नियत के अपलाइन ऐसे धरती पे कहीं नहीं है, वो है प्रकाश झा का रोल निभाएंगे, वो आपको सुपरस्टार बनाएंगे, वो है आपके डायरेक्टर। और प्लेटफॉर्म है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जो जंजीर फिल्म वाला काम करेगी, आपको सदी का सुपरस्टार बनाएगी, आपको अपने परिवारों की नजरों में एक स्टार बनाएगी, अपने खानदान में एक इतिहास लिखवाएगी, वो प्लेटफॉर्म है एसलीपीएस, वो डायरेक्टर है आपके अपलाइन। विदाउट डायरेक्शन काम ना करें, एक गुरु पक्का बना ले और उसको अपना जीवन सौंप दें, आपकी कामयाबी की गारंटी है। तो दोस्तों ये थे सफलता के 9 सूत्र, वो प्रिंसिपल जो दुनिया के हर व्यक्ति ने अपनाए हैं, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो मार्क जुकरबर्ग हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे संजीव कुमार हो, चाहे अनिल पुरी हो, चाहे महिपाल हो, चाहे शिव कुमार हो, चाहे रामवीर हो, ये सभी लोग जो इस दुनिया में, चाहे मोदी जी हो, चाहे कोई भी हो, जिसने इस दुनिया में कामयाबी हासिल करी है, उसके बेसिक सफलता के सूत्र ये 9 ही हैं। इन 9 के साथ जो जिएगा वो जो चाहे बनेगा। मैं नहीं कहता आप हमारे यहां ब्रांड एम्बेसडर बनोगे या नहीं बनोगे, कितनी कामयाबी आप हासिल करोगे, लेकिन अगर ये सफलता के सूत्र आपने अपना लिए, ये गारंटी है जो चाहोगे जीवन में वही कर लोगे, कहीं फेलियर नहीं होंगे। अपने बच्चों के सूत्र सिखा दोगे और उनको कहोगे बेटा आईएएस आईपीएस बनना है, तो बच्चे इन सूत्रों को समझ के आईएएस आईपीएस भी बन जाएंगे। ये सफलता के बेसिक प्रिंसिपल फॉर एवरी बॉडी, फॉर एवरी प्रोफेशन थे। तो दोस्तों सफलता की बात मेरे साथ, ये तो थे 9 सफलता के सूत्र। अब बात करते हैं कुछ प्रोडक्ट्स पे, अभी हम कुछ अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आपके लिए लॉन्च करने जा रहे हैं, सुपर प्रोडक्ट, सुपर रिजल्ट ओरिएंटेड। वायरल लोग ने तो धमाका ही कर रखा है, मुझे बहुत रिपोर्ट आ रही है, सुपर रिपोर्ट आ रही है, मैं बता नहीं सकता अभी क्या क्या लोग बोल रहे हैं और कहां कहां वो प्रोडक्ट पिया जा रहा है। देश के प्रतिष्ठित से प्रतिष्ठित व्यक्ति आज हमारा वायरल डॉग यूज कर रहे हैं। दोस्तों ये हमारे वायरल डॉग की ताकत है, इम्यूनो डॉग की ताकत है, और आज आप लोगों ने तो कमाल करके दिखाया है, तो इसलिए इसी कमाल के साथ आपके लिए मैं कुछ और प्रोडक्ट लेके आया हूँ। उन प्रोडक्टों को अभी हम देखते हैं, वो अभी लॉन्चिंग होने वाली है, कब कब लॉन्च होंगे, कब कब आएंगे, वो आप सब लोग देख सकते हैं। सबसे पहला इम्यूनिटी ड्रॉप, जो दोस्तों कल से ही आप लोग सेलेक्ट कर पाएंगे, सुपर प्रोडक्ट है, इसको आपको साथ लेके घूम सकते हैं, सिर्फ एक ड्रॉप डालनी है। इम्यूनिटी बूस्टर है, सुपर इम्यूनिटी बूस्टर है, सिर्फ ड्रॉप डालेंगे, एक अपने जेब में रख के घूमे और इम्यूनिटी ड्रॉप लेते रहे और अपना इम्यून बूस्ट करें, और ये प्रोडक्ट आपको सुपर रिजल्ट देगा, आपको मजा आ जाएगा प्रोडक्ट यूज करने में और यूज करवाने में।
नेक्स्ट प्रोडक्ट है आयुष क्वाथ, जो आयुष डिपार्टमेंट ने क्वाथ बनाया था, एक काढ़ा बनाया था, वो अब हमने भी बना दिया है और ये प्रोडक्ट आपके पास 24 अगस्त तक आ जाएगा। उसके बाद है गिलोय कैप्सूल एंड जूस। गिलोय की आपको पता बड़ी डिमांड है आज के टाइम में, महामारी के टाइम में गिलोय चाहिए गिलोय चाहिए, तो गिलोय कैप्सूल और जूस बड़ा मुश्किल है आज अरेंज करना इन चीजों को, क्योंकि आपको पता है जब हिंदुस्तान में कुछ ज्यादा डिमांड होती है तो ब्लैक शुरू हो जाता है, पर हमने किया है कैसे भी करके। 24 अगस्त को आपको गिलोय कैप्सूल और जूस वाजिब रेटों में मिलेंगे, रेट बहुत अच्छे होंगे इनके। एक्सी हैनी हैंड सैनिटाइजर भी आपको 24 अगस्त से 500 ml में मिलना शुरू हो जाएगा, मात्र 249 रुपए में, 249 ऐसे कुछ रेट में, बिल्कुल उसी रेट में जिस रेट में हर मेडिकल स्टोर हर दुकान में मिलता है, उससे एक रुपया भी ज्यादा नहीं। हैंड सैनिटाइजर ये 24 अगस्त से मिलेगा। उसके बाद है दोस्तों वीट ग्रास पाउडर, ये भी आपको 31 अगस्त को आ जाएगा। उसके बाद है प्राजो, 31 अगस्त को आपको अवेलेबल होगा, ये है लेडीज के प्राइवेट पार्ट्स को वॉश करने के लिए जेनोडॉक, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, हाइजीनिक प्रोडक्ट है, ये भी 31 अगस्त को मिलेगा। उसके बाद एक्स हर्बल मेहंदी पाउडर, ये भी आपको 31 अगस्त को मिलेगा, ये कुछ प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। और दोस्तों आज मैं अपने डायमंड्स, अपने ब्लू डायमंड, अपने रॉयल डायमंड, अपने ब्लैक डायमंड और अपने क्राउन डायमंड के सपोर्ट से एक घोषणा करने जा रहा हूं, बड़ी घोषणा है अपने परिवारों के लिए। दोस्तों हमने जब से एसलीपीएस में हम आए हैं या हमने एसलीपीएस बनाई है, हमने एसलीपीएस में कभी ये सोचा ही नहीं कि ये हमारी कंपनी है और इसके मालिक हम हैं। हमने सोचा जनता इसकी मालिक है और जनता के लिए जो भी हमने किया, दिल से किया, एक समर्पण से किया, सच्चा ईमानदारी से किया, उसका रिजल्ट आज आपके सामने। अभी मार्केट में बड़ी उथल पुथल चल रही है, लोग कहते हैं सर टीका टिप्पणी करो, अरे मैं क्या टीका टिप्पणी करूं, इनपे टीका टिप्पणी उनपे करी जाती है जो अपने जैसे अपने बराबर के, तो ये तो कहीं टिकते नहीं यार, इनपे क्या टीका टिप्पणी, तो टीका टिप्पणी मैं नहीं कर सकता किसी पे भी, पर मैं ये कह सकता हूँ मेरे अपने इरादे हैं, मेरी अपनी मंजिल है, मेरी अपनी सोच है, मेरा अपना जज्बा है, मेरी अपनी नीयत है, मेरी अपनी ईमानदारी है, मेरे अपने फाइटर है, मेरे अपने प्रोडक्ट है, मैं सिर्फ अपनों के लिए काम करता हूँ। दुनिया में क्या चल रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन खोल रहा है, कौन बना रहा है, कौन छोड़ रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना मुझे आज तक पड़ा है, और इन चीजों पर मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि कॉम्पिटिशन बराबर वालों से होता है। ये तो कहीं मेरे कॉम्पिटिशन में है ही नहीं, तो इनसे क्या कॉम्पिटिशन करना है और इनके बारे में क्या टीका टिप्पणी करनी है, समझ गए होंगे आप लोग। तो कहने का मतलब एसलीपीएस वेलनेस ने आज तक अपने हर फाइटर को अपने जिगर का टुकड़ा माना है, अपना हिस्सा माना है, अपने परिवार का हिस्सा माना है, और ये माना ही नहीं हमने हमेशा साबित भी किया है। जब जब हमारे परिवारों को कोई जरूरत पड़ी है, दिक्कत आई है, तो हम अपने परिवारों के साथ हमेशा खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे। हमने लोगों को यूज नहीं किया, हमने लोगों को चूज किया है दोस्तों, यूज हम आगे भी कभी नहीं करेंगे। ऐसा विचार, ऐसी सोच, ऐसी गंदगी मेरे दिमाग में आज तक नहीं आई। ना मुझे कुछ चाहिए, इतना पैसा दौलत नहीं चाहिए, बहुत है, परमात्मा ने दिया है, आगे भी देगा। मैं अपने टैलेंट का कमा के खाता हूँ, मैं एक काबिल आदमी हूँ, मैं कोई लोगों के दम पे नहीं जीता, अपने दम पे जीता हूँ। तो इसलिए मुझे पैसे से इतना प्यार नहीं है जितना लोगों से प्यार है, और एसलीपीएस के हर फाइटर से मुझे बहुत ज्यादा प्यार है। तो दोस्तों इसी बीच में आज एक घोषणा आपके लिए करने आया हूँ। आज हमारे परिवारों में बहुत से लोग हैं जो काम करते हैं, बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं, और कभी कोई हादसा हो जाता है और इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। ये जीवन का एक नियम है, कोई चला जाता है तो उसके साथ सब जा नहीं सकते। अगर आज मैं मर जाऊं तो मेरी बीवी मेरे साथ नहीं मरेगी, बच्चे नहीं मरेंगे वो भी जिएंगे, मेरे माँ बाप भी नहीं मरेंगे वो भी जिएंगे। तो जीते तो हम लोग हैं, लेकिन उनकी यादें हमारे दिलों में जिंदा रह जाती। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर कोई फाइटर आया था, कोई योद्धा था, वो भी लड़ा था, वो लड़ा था बेकारी से, मजबूरी से लड़ाई, तो वो भी लड़ा था, साबित करना चाहता था अपने परिवार में कुछ ना कुछ, लेकिन वो चला ही गया दुनिया से, तो क्या साबित करता, अब उसकी लड़ाई जारी रखनी है। और जो लड़ाई उसने लड़ी थी, वो इस दुनिया से चला जाए, ऊपर से बैठ के देखे तो उसे लगना चाहिए कि जिन लोगों के साथ तूने लड़ाई लड़ी थी, वो साले बुजदिल नहीं थे, वो गद्दार नहीं थे, धोखेबाज नहीं थे, कि जब तक तू इनकी कंपनी में काम करता रहा, इन्हें कमा के देता रहा, लोग जोड़ता रहा, तब तक तो तेरे को हाँ बेटा हाँ बेटा हाँ बेटा, और जब दुनिया से चला गया तो साला किसी ने पूछा भी नहीं कि इसके परिवार में क्या हो रहा है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, जब भी आप अमराल्ड बन जाते हो, अपना अपना टर्म इंश्योरेंस कराएं। अमराल्ड एंड अबव सभी लोग अपना टर्म इंश्योरेंस कराएं। मैं कितनी मर्जी हेल्प कर लूं, लेकिन बीमा कंपनी वाली हेल्प मैं नहीं दे सकता आपको। हर व्यक्ति अपना टर्म इंश्योरेंस कराए, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि यार जीवन है, पता नहीं कब कौन चला जाएगा, बातें ही रह जाएंगी, यादें ही रह जाएंगे।
तो आज हमारी कंपनी कुछ घोषणा करने जा रही है। आज हमारे बीच से दो व्यक्ति गए, हमारे अमराल्ड रूबी स्टार रमाशंकर मिश्रा जी दुनिया छोड़ के चले गए, हमें छोड़ के चले गए। इसके परिवार के प्रति हम बहुत संवेदना वगैरह व्यक्त करते हैं और जो हमसे बनेगा हम उनके लिए करेंगे। और गणपत मीना जी जो हमारे ब्लू डायमंड थे, बड़े प्यारे थे, मेरे से बहुत बहुत सीधे थे, बहुत अच्छे इंसान थे, वो भी चले गए। लेकिन ये हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे। कुछ ऐसा आज मैं लेके आया हूँ, हमेशा हम इनके लिए कुछ करते रहेंगे। कुछ ऐसी घोषणा आज मैं करने जा रहा हूँ, अमराल्ड से ब्लू डायमंड तक। दोस्तों आज के बाद अमराल्ड टू ब्लू डायमंड अगर कोई भी व्यक्ति हमारा इस दुनिया से चला गया तो कंपनी उसके परिवार को एक मदद देगी और लीडर्स मिलकर मदद देंगे। सबसे पहली मदद, अमराल्ड रैंक अगर हमारी कंपनी में किसी ने कर लिया और वो एक्टिव अमराल्ड था, हमारे ही साथ था, किसी दूसरी कंपनी में नहीं था, कहीं गया नहीं था और एक्टिव था, चेक नहीं बना एक महीने से फर्क नहीं पड़ रहा, पर एक्टिव था, हमारा था, हमारा बच्चा था, हमारे लिए था, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक योद्धा की तरह लड़ रहा था, इस बीच में भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया, तो उसके जितने भी बच्चे हैं उनको पढ़ाने का 12वीं तक का जिम्मा एसलीपीएस वेलनेस लेगी, एसलीपीएस वेलनेस फाउंडेशन ये जिम्मा लेगी। ये जिम्मेदारी आज के बाद हम लोग लेंगे। उसके बच्चों को 12वीं तक हम पढ़ाएंगे, उनको एक फीस हम 12वीं तक उसके परिवार को देंगे, एक निश्चित अमाउंट, जिससे वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके और जीवन भर 12वीं क्लास तक अगर हमारे अमराल्ड एंड ब्लू डायमंड तक कोई भी व्यक्ति दुनिया छोड़ के, हमें छोड़ के, हमारे परिवार को छोड़ के जाएगा तो हमारी फाउंडेशन उसको 12वीं क्लास तक उसके बच्चों को पढ़ाएगी, चाहे दो बच्चे हों, चाहे चार बच्चे हों, चाहे कितने बच्चे हों। दोस्तों हम क्या कर सकते, यही कर सकते, हम उसे वापस नहीं ला सकते, वो तो चला गया, यादों में जिंदा है, वापिस थोड़ी ले पाएंगे। कम से कम उसकी आत्मा जब ऊपर से देखे, वो हमसे बात करे ऊपर से, तो ये तो कहे हाँ सर आप लोगों के साथ जीवन के कुछ महीने ही लगाए थे, आज आपने इतना किया और हमें मतलब दुआएं दे दे, और तो वो बेचारा क्या देगा, वो चलाएगी अब क्या देगा। दूसरा, ये इसका नाम है AWPL फाइटर चाइल्ड एजुकेशन एंड वेलफेयर फंड। इस स्कीम के माध्यम से हमारी फाउंडेशन उनके बच्चों को जीवन भर पढ़ाएगी 12वीं क्लास तक, अमराल्ड से ब्लू डायमंड। ये हमने क्यों रखा है अमराल्ड टू ब्लू डायमंड, क्योंकि अमराल्ड तक पहुंचते पहुंचते उसने साबित कर दिया मैं आपके परिवार का हिस्सा हूं, और ब्लू डायमंड तक ही दिक्कत है, ब्लू के बाद अगर कोई ब्लैक और रॉयल पे जाएगा तो उसके लिए तो हम वैसे बहुत कुछ कर लेंगे और उसकी टीम बहुत बड़ी होगी, वो तो ऑलरेडी कैपिंग पे होगा। ये योजना अमराल्ड से ब्लू डायमंड तक के लोगों के लिए है। नेक्स्ट योजना है AWPL फाइटर परिवार सुरक्षा योजना। अगर हमारे परिवार का कोई भी व्यक्ति अमराल्ड से ब्लू डायमंड तक, खुदा ना करे, परमात्मा ना करे, भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया, तो फाउंडेशन और हमारे डायमंड एंड अबव लीडर मिलकर अमराल्ड को 1,00,000 रुपए का उसके परिवार को एक चेक दे के आएंगे। अगर कोई टोपाज रैंक पे गया तो दोस्तों 2,00,000 का दे के आएंगे, और अगर कोई रूबी स्टार पे गया तो उसको 3,00,000 का चेक दे के आएंगे, कोई सफायर पे गया तो 4,00,000 का चेक दे के आएंगे, कोई स्टार सफायर पे गया तो जितना उसने रैंक इनकम ली थी 8,20,000 उसकी रैंक इनकम दोबारा देंगे, कोई डायमंड पे गया उसकी 12,40,000 जो रैंक इनकम ली थी उसे दोबारा देंगे, और अगर कोई ब्लू डायमंड पे गया तो उसने जो 22,00,000 की इनकम ली थी उसे दोबारा देंगे। ये रहेगी AWPL फाइटर परिवार सुरक्षा योजना के नाम से। मेरे भाई ये कुछ नहीं है, इंसान वापिस नहीं ला सकते, साला दौलत की कोई औकात नहीं है, पर हाँ एक परिवार को कोई सहारा मिले, उस परिवार को लगे कि मेरा बेटा एक छोटा सा रैंक लिया अमराल्ड, तो इनके उन्होंने पूरी जीवन उसके बच्चे पढ़ाने का जिम्मा ले लिया, और 1,00,000 रुपए की एक छोटी सी मदद भी, एक उस समय पे वो मदद बहुत बड़ी होती है जिस समय किसी परिवार का कोई छोड़ के आता है, उसने की है। अब इसमें लोग कुछ भी सोच सकते हैं, कहेंगे संजीव कुमार लालच दे रहा है, संजीव कुमार ये कर रहा है, संजीव कुमार जो करता है ठोक के करता है, दिल से करता है, आत्मा से करता है, यहां से करता है, मेरा परिवार है, मेरे फाइटर हैं, इनके लिए लड़ भी सकता हूं, इनके लिए मार भी सकता हूं और इनके लिए मर भी सकता हूं, पैसे की तो औकात ही कुछ नहीं है। दोस्तों यहां कुछ दिखावा नहीं है, असली पैसे एक सच्चाई है, ये वो सच्चाई है जो आज उजागर हो रही है, ये वो सच्चाई है जिसे आज लोग देख रहे हैं, ये वो सच्चाई है जिसको लोग गालियां देते थे जब साला उनके बंदे हमारी कंपनी में आते थे, कुत्ता बोलते थे, उल्टा सीधा बोलते थे, उन्हें कुत्ता बना के रख दिया आज, कुत्ता बना के। ये वो असली बेस है, सच्चाई की जीत होती है मेरे दोस्तों, आज हमारी जीत हुई है, हिल गए सब ना, मैं कहता था सच जीतेगा, और ये जो योजना है ये यहां से है, दिल से, दिमाग से नहीं है।
क्या करना है पैसे का, सब यहीं छोड़ जाना है, आप लोगों के लिए कमाएंगे, आप लोगों के लिए कमाएंगे, आई लव यू, थैंक यू सो मच, बाय। और सुनो 19 तारीख का टारगेट आ रहा है, ठोक देना टारगेट, दबा के लैपटॉप, दबा के बाइक, ठोक दो, रच दो इतिहास, और ये जो नौ मंत्र दिए ना, इनको लेके आगे बढ़ो, फट्टे चक देंगे, पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा देंगे। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय।